गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास बातचीत बंद कर हम लोग रीपोजेशन का डिस्कशन चालू किए थे, और क्योंकि वो क्लास ऑनलाइन था मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़ा आप सोए हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, समझ में वो आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम्स करेंगे तो और आ जाएगा। क्यों दीदी? नहीं, हम तो नहीं किए थे, वो तो टेलीग्राम पे लिख दिए थे कि ऑनलाइन ले लेंगे, तो यही बैठ के देख लेते। और सर डरने का नहीं है, आप आ सकते हैं, छोड़ो इधर कोई बात नहीं। सुनो, हम लोग रीपोजेशन का बात शुरू किए थे। एक बार मैं ना वापस सारा बात रिवाइज करवा रहा हूं, एंड उसके बाद आज पहले हम लोग कंप्लीट रीपोजेशन के कुछ और सम्स बनाएंगे, फिर जाएंगे सेकेंड पार्ट पे, विच इज पार्शियल रीपोजेशन, हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सुनना ध्यान से, हमने रीपोजेशन में चालू किया, अगर हायर परचेजर कोई भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से फेल हो जाए, परचेजर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से फेल हो जाए, हायर वेंडर के पास एक राइट है कि वो अपना एसेट परचेजर से वापस ले सकता है। ये जो हायर वेंडर का राइट है अपना एसेट वापस लेने का, इसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ रीपोजेशन। ठीक है बात? मैंने आपको बोला प्रैक्टिकली रियल लाइफ में हायर वेंडर ये ऑप्शन ऐसे ही एक्सरसाइज नहीं कर लेता, क्योंकि हायर वेंडर बोलता है एसेट वापस ले भी लेंगे तो हम उसका करेंगे क्या, हमको पैसे से मतलब है, हमको ब्याज से मतलब है, हमको एसेट से कोई प्यार नहीं है। बट हमारे क्वेश्चंस में क्या होगा, हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट फेल करेगा और हायर वेंडर बोलेगा हम एसेट लेकर जा रहे हैं, तो एग्जाम क्वेश्चन थोड़े से इम्प्रैक्टिकल होते हैं, जो बोलते हैं पेमेंट नहीं किया नेक्स्ट डे एसेट उठा लो, जबकि रियल लाइफ में यह काम एक दिन में नहीं होता है। जब तक ऐसा नहीं लगता हायर वेंडर को कि अब पैसा फंस जाएगा, अब आने वाला नहीं है, तब तक वो जल्दी से रीपोजेस नहीं करता। धन्यवाद। अब ये जो रीपोजेशन हायर वेंडर करेगा, इस रीपोजेशन के ट्रांजैक्शन में होगा क्या, हायर परचेजर के पास से एसेट उठकर हायर वेंडर के पास चला जाएगा, और इनका आपस में जो पैसा लेना देना बाकी था वो लेना देना बाकी कम कर लेंगे, क्योंकि अगर वो एसेट उठा के ले गया तो हायर परचेजर अब उसको पेमेंट करने वाला नहीं है, यानी हायर वेंडर को पैसा मिलने वाला नहीं है। तो एक साइड फिक्स्ड एसेट हायर परचेजर के यहां से उठ के हायर वेंडर के पास जाएगा, और दूसरा साइड जो मेरे को पैसा देना था या उसको पैसा मिलना था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम उतना पेमेंट करने वाले नहीं है। धन्यवाद। रीपोजेशन दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट रीपोजेशन, एक होता है पार्शियल रीपोजेशन। कंप्लीट रीपोजेशन जहां पे हायर वेंडर सारे के सारे एसेट लेकर चला जाएगा जो उसने मुझे हायर परचेज अग्रीमेंट के अंडर बेचा था। अगर मान लो हायर वेंडर ने मेरे को तीन ट्रक भेजा था, तीन ट्रक, और मैं इंस्टॉलमेंट से फेल किया, हायर वेंडर बोला हम तीनों ट्रक लेके जा रहे हैं, दिस इज नोन एज कंप्लीट रीपोजेशन, ऑल द एसेट्स अंडर द अग्रीमेंट आर टेकन बैक बाय द हायर वेंडर। दूसरा पार्शियल रीपोजेशन, तीन में मैं बोला यार इतना रुपया देने को नहीं है, बट कुछ रुपया अभी भी मैं दे सकता हूं, बोला कितना रुपया दे सकते हो बताओ, मैंने बोला इतना इतना मेरे पास है, बोला चलो एक काम करते हैं तीन में से दो ट्रक हम ले जाते हैं, एक ट्रक हम छोड़ रहे हैं, उसके हिसाब से जो पैसा होना चाहिए तुम हमको पेमेंट कर देना। यह होता है पार्शियल रीपोजेशन, जब वो फ्यू एसेट ले जाता है और कुछ एसेट आपके पास छोड़कर चला जाता है। एक डाउट आया था अपने माइंड में, क्या डाउट, सर अगर वो एसेट लेकर जाएगा तो मेरा जो दिया हुआ पैसा है अभी तक का उसका क्या होगा? मैंने बोला कुछ नहीं होगा, वो अपने पास रखेगा, आप समझ लीजिए भाड़ा था वो, आपने दो साल डेढ़ साल एसेट यूज किया है, वो दो साल डेढ़ साल का भाड़ा था, वो एक रुपया भी वापस करने वाला। तो ये मत सोचिएगा कि हायर वेंडर एसेट ले जाएगा तो पैसा वापस दे देगा, जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो पैसा फोरफिट हो जाएगा, उसमें से एक रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। इतना बात किए। इसके बाद हम लोग आए कंप्लीट रिपोजेशन की अकाउंटिंग में। कंप्लीट रिपोजेशन में मैंने आपको सिंपली बोला क्योंकि हायर वेंडर सारे एसेट उठा के लेके जा रहा है, अब मेरे और उसके बीच का रिलेशन खत्म, जो हमारे बीच में हायर परचेज अग्रीमेंट के तहत रिलेशन बना था वो रिलेशन अब खत्म हो गया, क्योंकि वो सारा का सारा एसेट उठाकर ले जा रहा है। हायर परचेजर अपने बुक्स में क्या करेगा, सबसे पहले जो वेंडर की लाइबिलिटी थी, वेंडर की लाइबिलिटी जो पेमेंट करना था उसको खत्म करेगा, और साथ साथ अपने बुक से एसेट को भी खत्म करना होगा क्योंकि सारा एसेट वो लेकर चला गया। हम लोग जर्नल एंट्री वाइज एंट्री पास करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट,
अगर इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस रहा तो वो डिफरेंस जाएगा पीएल में। मान ले लाइबिलिटी 5 लाख का था, एसेट 7 लाख रुपए का था। अब 5 लाख की लाइबिलिटी के लिए 7 लाख का एसेट ले गया तो हमारे लिए 2 लाख का लॉस हो गया। और अगर मान ले एसेट था 5 लाख का, लाइबिलिटी था 4 लाख का, तो 4 लाख सॉरी एसेट था 5 लाख का, लाइबिलिटी था 6 लाख का, 6 लाख का लाइबिलिटी खत्म हुआ, एसेट कितना गया 5 लाख का, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। बट ये प्रॉफिट बुक्स पर है, ये प्रॉफिट कोई हमको रियल फायदा नहीं हुआ, ये सिर्फ बुक्स में दिखने के लिए प्रॉफिट है। ये अगर एसेट लेके जाएगा तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, इससे हमको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए बोलते हैं हायर परचेज जैसे अग्रीमेंट में आप तभी जाइए जब आप श्योर हो कि आप पूरा पैसा दे देंगे, क्योंकि अगर बीच में वो एसेट लेके गया ना, बिजनेस जो डिस्टर्ब होगा सो होगा, आपको दूसरा नुकसान भी होगा। इसीलिए हम लोगों को हायर परचेज में एसेट खरीदते समय ये ध्यान रखना है। उससे नहीं है, अगर आपको लगता है नहीं दे पाओगे, आप एसेट भाड़े पर ले लो, वो बढ़िया है। जैसे मान लो मैंने ये जगह ली, अब मैं ये जगह चाहता तो लोन लेके भी ले सकता था, बट मेरे को अगर लगता है लोन नहीं चुका पाऊंगा, जगह चला जाएगा, बेटर है मैं जगह भाड़े पर ले लूं। क्यों माथा लगाऊं इतना 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया लगाने का, 50,000 रुपया भाड़े में मिल रहा है, 50,000 रुपया भाड़े में ले लो, ये नहीं तो दूसरा जगह मिल रहा है वो ले लो। क्यों इतना माथा पच्ची करे कि 2 करोड़ रुपए का लोन ले, फिर प्रॉपर्टी खरीदे, लोन नहीं चुकाए तो प्रॉपर्टी भी चला जाएगा। उससे बेटर क्या करना चाहिए, जगह भाड़े पर ले। जगह भाड़े पर लेना हमेशा सस्ता पड़ता है। वैसे ही आप एसेट भाड़े पर लेते तो इतना बड़ा पेमेंट नहीं करना पड़ता, कम में ही सलट जाता, बट क्योंकि आपने बीच में फेल किया, वो एसेट लेके चला गया, तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। तो परचेजर सिंपल एंट्री करेगा, अपने बुक से लाइबिलिटी खत्म करेगा, अपने बुक से एसेट को खत्म करेगा, डिफरेंस जो दोनों के बीच में होगा उसको प्रॉफिट या लॉस में दिखा देगा। हम लोग लेजर अकाउंट बनाते समय क्या करेंगे, पहले हायर वेंडर अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका जो भी डिफरेंस होगा वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्लोज करेंगे, जो डिफरेंस आएगा कहां जाएगा, पीएल में। मैंने आपको ये लिखवाया भी था जब मैंने लेजर बनवाया था। लेजर बनवाने के लिए ये सिंपल रूल आप यूज कर सकते हो, सो दैट आप लेजर इजीली बना पाओ। वेंडर अकाउंट को क्लोज करो, लाइबिलिटी खत्म हो गया, फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर कर दो, फिर फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्लोज करो, जो डिफरेंस है उसको पीएल में डाल दो, डन। हायर वेंडर क्या करेगा सुन, हायर वेंडर बोलेगा मेरे को जो परचेजर से पैसा मिलने वाला था अब वो पैसा नहीं मिलेगा, तो परचेजर जो मेरा डेटर था वो डेटर कम करना होगा हमको, तो परचेजर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उसके अगेंस्ट हमको एक एसेट मिल गया परचेजर से। सिंपल बोल रहा हूं, मान ले ये मेरा डेटर है रौनक, अब रौनक मेरा डेटर है, 50,000 रुपया हमसे हम इससे मांगते हैं, नहीं दिया, हम इसका क्या किया, घर से गाड़ी उठा के ले आए। होता है सर, गांव गांव साइड में होता है, गाड़ी उठा के ले गया। अब गाड़ी उठा के ले गया तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मेरे रौनक मेरे लिए डेटर था तो रौनक डेबिट बैलेंस था, अब मैंने रौनक से गाड़ी ले लिया तो मैं एंट्री करता हूं कार अकाउंट डेबिट टू रौनक, और मेरे लिए कार का कॉस्ट क्या हो गया, सर जितना रौनक से बाकी था वही आपका कार का कॉस्ट हो गया, बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री करूंगा कार अकाउंट डेबिट टू रौनक 50,000 रुपया, जो रौनक से 50,000 रुपया लेना था वो नहीं दिया तो मैंने उससे क्या ले लिया, कार ले लिया। वैसे हायर वेंडर क्या एंट्री करेगा, बोलेगा एसेट रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट, एसेट मेरे पास वापस आ गया टू हायर परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाएगा और वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट रिपोजेस्ड। फिर उस एसेट पे वो खर्चा करेगा रिपेयर मेंटेनेंस का, तो रिपेयर वगैरह का खर्चा करेगा तो एसेट रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर रिपेयर का खर्चा तो रिपेयर्स टू बैंक होना चाहिए था ना, ये खर्चा किया जा रहा है ताकि हम इस एसेट रिपोजेस्ड को सेलेबल कंडीशन में ला सके, तो ये खर्चा कैपिटलाइज होगा, ये खर्चा रिपेयर बोल के पीएल में नहीं जाएगा। उसके बाद जब हम एसेट रिपोजेस्ड को बेचेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट रिपोजेस्ड, अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में कुछ डिफरेंस रहा तो वो कहां चला जाएगा, पीएल में। हमने कल ये हायर वेंडर का अकाउंटिंग के लिए भी ये लेजर अकाउंट बनाया था। सिंपल काम है रिपोजेशन ना, खुद में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, खुद में कोई नया टॉपिक नहीं है। रिपोजेशन क्या है, जो आपने नॉर्मल अकाउंटिंग सीखी उसमें एक इवेंट जुड़ गया। हमने हायर परचेज में एसेट खरीदा, पहला इंस्टॉलमेंट आया पेमेंट कर दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट आया पेमेंट कर दिया, तीसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का टाइम आया, हम फेल हो गए। फेल हो गए तो उसने क्या किया, एसेट वापस ले लिया। तो पहला इंस्टॉलमेंट का अकाउंटिंग वैसे ही होगा जैसे सिखाया, सेकंड का भी वैसे ही होगा जैसे सिखाया, थर्ड में भी इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन सब वैसे ही होगा, बस लास्ट में जब पेमेंट करने जा रहे थे पेमेंट कर नहीं पाए तो वो पैसे की जगह मेरा क्या लेके चला गया, एसेट लेकर चला गया। डन है क्या बात, पक्का 100%। ये मैंने आपको कंप्लीट रिपोजेशन में बात समझाया था। आइए पहले कंप्लीट रिपोजेशन के कुछ और क्वेश्चन करके इसको पहले रेडी करते हैं, फिर पार्शियल में चलेंगे। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 हो गया था ना, क्वेश्चन 12 में आओ। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, गुड क्वेश्चन, और अच्छा है सिर्फ एक लाइन क्वेश्चन में जोड़ दिया उसके लिए।
पेज नंबर 159। पढ़ते हैं ऑन 111 अंडरलाइन। ए परचेज्ड 5 मशीन्स फ्रॉम बी, कितना मशीन? 5। पेमेंट वॉज टू बी मेड 20% डाउन एंड बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 280, 260, 240, 220। चार इंस्टॉलमेंट होगा। इंस्टॉलमेंट, अब ये इंस्टॉलमेंट बोला है मतलब ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। कल कौन बच्चा डाउट पूछा था इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं, तू पूछा था क्या हर्ष? तुम समझ में आ गया था ना बात पक्का? तो अब देखो सोचो क्या बोल रहा है, वापस बोल रहा हूं। इंस्टॉलमेंट बोला है यहां पे, इंस्टॉलमेंट बोला है कि चार इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे 280, 260, 240, 220। जब वर्ड इंस्टॉलमेंट बोलता है कुछ नहीं बोले मतलब वो इंक्लूड्स इंटरेस्ट। अगर ऐसा लिख दे टूगेदर विथ इंटरेस्ट, मतलब वो बोल रहा है वो हो गया प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट भी आपको जोड़ के देना पड़ेगा। इंग्लिश समझो थोड़ा। यहां पे देख क्या लिखा, इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट 280, 260, 240, 220 कमेंसिंग फ्रॉम 31/12/11। 31/12/11 से पेमेंट करना चालू करेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट 280 का, फिर 260 का, फिर 240 का, 220। जब इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बोलता है मतलब दिस इंक्लूड्स इंटरेस्ट, तो वापस इसके ऊपर इंटरेस्ट जोड़ने का दरकार, बट इंटरेस्ट तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट कितना है, बट 280 में वापस जोड़ने का दरकार नहीं है। आगे, वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, वेंडर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ए राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब SLM बेसिस, मतलब जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट SLM बेसिस पे चार्ज करेंगे। WDV पर चार्ज गलती हो जाता है, सिली मिस्टेक्स हो जाता है एग्जाम में, बच्चा देखता नहीं है फटाफट डेप्रिसिएशन उसके ऊपर मारने चला जाता है। आप यहां पे वर्ड लिखा है ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन SLM की बेसिस पे लगेगा। सुनना, ये पहला 3 लाइन मैंने पढ़ा, अगर मेरे को हायर परचेज का अकाउंटिंग करना है, 3 लाइन पढ़ के मेरे को समझ में आया, नंबर 1 कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है निकालना पड़ेगा, नंबर 2 डाउन पेमेंट भी नहीं दिया हुआ है। डाउन पेमेंट बोला 20% अमाउंट नहीं बोला, आपने को कैश प्राइस पहले निकालना पड़ेगा फिर डाउन पेमेंट निकालना पड़ेगा। कैश प्राइस कैसे निकालते रहे? पीवी ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट नहीं है बट डाउन पेमेंट बोला है 20%। अगर डाउन पेमेंट 20 है तो बचा हुआ इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 80%। तो अगर मैं एक बार पीवी ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाल लूं तो वो 80% हो जाएगा। तो हम 20% डाउन पेमेंट निकाल के कैश प्राइस निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूं सारे बच्चे वर्किंग नोट 1 करें, कैश प्राइस कैलकुलेट करें। कैश प्राइस में हेल्प ये कर रहा हूं, सबसे पहले पीवी ऑफ इंस्टॉलमेंट्स निकालना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। उसके बाद ये 80% आएगा तो डाउन पेमेंट 20 निकाल लेना, कैश प्राइस निकल जाएगा। खुद से ट्राई करने का, एक बच्चा लोग का प्रॉब्लम है, तुम लोग को मैं समझाता हूं। सुनो चुन्नू मुन्नू, समझो मेरा बात, डांट नहीं रहे प्यार से बोल रहे हैं। क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट, अभी हायर परचेज का 6ठा क्लास है, कितना नंबर क्लास है? 6, जिसमें हम कैसे पढ़ाया, पहला 3 क्लास सिर्फ क्या सिखाया? कंप्यूटेशन। एक क्लास से ज्यादा उसमें नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 2, तो भी कितना क्लास हुआ? 3। कंप्यूटेशन सीखने के बाद अगर तुमको वो नॉलेज कंक्रीट नहीं है तब तुमको बार बार कॉपी का पिछला पेज देखना पड़ता है।
जैसे आपने कॉपी के पीछे पेज में जाके देखा फॉर्मेट कैसे बनाना है, उसने देखा कैसे करना है, तुमने देखा कैसे करना है, दिस इज नॉट गुड। इससे पता है क्या हो रहा है, देख रहे हैं तो याद है, नहीं देख रहे हैं तो सब सफा। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि अगर सर ने मेरे को एक बार बताया, दो बार बताया, तीन बार बताया, सर ने पांच सम्स करवाए पर मैंने बोल दिया हां सर मेरे को समझ में आया, तो दूसरी बार वापस जाके देखना भी नहीं पड़े। ये कब होता है पता है, जब हम लोग घर पे सब्जेक्ट्स को एडिक्वेट टाइम नहीं देते। तुम लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं, वो ये है, कभी भी प्रोफेशनल कोर्सेस टीचर के बदौलत पास नहीं होता है, चाहे हम हो चाहे भगवान भी आ जाएंगे, टीचर के बदौलत पास नहीं होता है। सिर्फ एक ही चीज है जो प्रोफेशनल कोर्स पास करवाता है, वो है सेल्फ स्टडी। एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास आर लैकिंग सेल्फ स्टडी। कुछ बच्चों को बात करते हुए सुना मैंने, बच्चे बोल रहे थे यार एक ही ग्रुप देंगे, दो नहीं हो पाएगा, एक ही करेंगे। ये सब जो बातें आप इस स्टेज पे कर रहे हो ना, जब आपके पास अभी 7 महीना एग्जाम के लिए, 6 महीना एग्जाम के लिए पड़ा है, आप अपने आप को ना क्या बोलूं कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हो। आप करते, आप कितनी क्लास करते हो आपने कभी गिना है? मैं गिनाता हूं आपको, 7 क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैं 7 बोल रहा हूं, 4+3 मैं आपको करने बोलता हूं जो फाउंडेशन वाला पोर्शन है, वो भी आधा जन का हुआ होगा, आधा जन देखे भी नहीं होंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, 7 क्लास ये किया, 6 क्लास तुम लोग कॉस्ट का करते हो, कितना हो गया? 13 क्लास हो गया। टैक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो भी लास्ट का चलो क्लास चल रहा है, 4-5 क्लास तुम लोग टैक्स का करते हो, कितना हो गया? 17 क्लास हो गया। लॉ का तुम लोगों को घर पे क्लास करना होता है जो कि अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, तो भी अगर तुम कर रहे हो 5 से 6 क्लास लॉ का कर रहे हो, कितना हो गया? 22। डिवाइडेड बाई 7 डेज करोगे तो हर दिन में 3 क्लास करना है। हर दिन में 3 क्लास को अगर आप डिवाइड करोगे 2.5 घंटे के भी टाइम से, जो कि 2 घंटे से ज्यादा तुम लोग का क्लास, थोड़ा बहुत टैक्स में अगर ज्यादा होता होगा तो होता, अदरवाइज 2 घंटे से ज्यादा कोई क्लास, तुम दिन में सिर्फ 7 घंटा पढ़ रहे हो, सिर्फ 7 आवर्स। अगर प्रोफेशनल कोर्सेज एट द इंटरमीडिएट लेवल, विच इज द टफेस्ट लेवल ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स, उसमें अगर आप 7 घंटा दिन में पढ़ रहे हो, आप अपने अपने जो पोटेंशियल है ना उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। प्लस क्या होगा, अगर आप ये सोच लिए हमको ग्रुप 2 करना ही नहीं है, तो जुलाई तक सब कुछ सलट जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना एक ही चीज को रगड़ते रहोगे। PhD करना है इसमें? आंसर इज नो। समझ में आना चाहिए, क्वेश्चंस बनाना है, काम खत्म। ये सब आउटलुक चेंज कीजिए। आप लोगों का आउटलुक पता है क्या है, CMA में मैंने ज्यादा देखा है स्टूडेंट्स आर टीचर डिपेंडेंट। आप ही पढ़ा दीजिए, आप ही क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दीजिए, आप ही होमवर्क डिस्कस करवा दीजिए, आप रिवीजन वीडियो भी दे दीजिए, एग्जाम तो आप नहीं दे के आ पाएंगे, नहीं तो वो भी आप ही चले जाए तो बेटर होगा। और फाउंडेशन में तो वो भी मिलता है बच्चों लोग को फैसिलिटी कि टीचर तुमको बोलता है हम सॉल्व कर देंगे, हम तो कतई नहीं करते, हम तुमको बोलते हैं। फाउंडेशन में अगर मेरे को कोई बच्चा एग्जाम के टाइम कॉल करेगा तो हम झाड़ेंगे उसको, चुपचाप पेपर सॉल्व करो, हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उसी से हम बच्चे को खराब करना शुरू कर देते हैं। कल तुम पेरेंट बनोगे बच्चों के, तुम अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करोगे कि टीचर उसको सॉल्व करके दे रहा है आंसर? एक्सपेक्ट करोगे? व्हाई डू यू डू दिस? करते हैं ना हम लोग, क्यों करते हैं? और यही जब तुम्हारा बच्चा करेगा तो तुम उसको झाड़ोगे, ये सब गलत बात होता है, चीटिंग नहीं करना चाहिए, बड़ा बड़ा ज्ञान, और खुद किस लाइन पे हो देखो। लिटरली जो सिगरेट फूंकता है उसको दूसरे को ये नहीं बताना चाहिए कि सिगरेट फूंकना सही है कि नहीं, तू बंद कर दे फिर बता, मैं मान लूंगा। बोला हम पी रहे हैं इसीलिए तो बोल रहे खराब है, तुम मत पीना। अरे छोड़ दे अगर खराब है तो। नहीं छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा तलब लग गया है। बोला हमको भी लग ही गया है भाई। अब आप लोगों का प्रॉब्लम है, यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सेल्फ स्टडी, यू आर डिपेंडेंट। डोंट बी डिपेंडेंट, यू हैव टू बी स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, 4 बार करना होगा। मैंने तुमको एक ही मंत्र बताया था, अगर कोई टॉपिक तुमको मान लो मैंने पढ़ाया नहीं समझ में आया, मान लो कैश प्राइस निकाले सर, प्रेजेंट वैल्यू सिखाएं क्लास में थोड़ा सा एक बार कंक्रीट, तुम क्या घर में जाके उस टॉपिक को खोल के बैठे खुद से दिमाग लगाने के लिए? तुम तो नेक्स्ट क्लास में आते हो तभी कॉपी खुलता है, नहीं तो कॉपी बंद ही रहता है। और हम होमवर्क नहीं दिए तो और भी नहीं खुलेगा।
बोलिए दीदी लास्ट डे कॉपी बंद किए थे, उसके बाद कॉपी कब खोले? सच सच बताने का, अभी खोले। ये पढ़ाई है इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे का, क्यों नहीं किए थे? अभी एक चैप्टर के साथ शुरू हुआ है, फिर हर दिन का हो जाएगा। ये आलस है हमारे अंदर, वो आलस खत्म करना पड़ेगा। करियर बनाना चाहते हैं कि नहीं, इट इज ऑल अबाउट आपके मन में इच्छा क्या है। हम अगर गुंगों से बात कर रहे हैं, बेवकूफों से बात कर रहे हैं, हमको सच में कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है। हम झूठ नहीं बोलेंगे तुमको, हमको फ्रस्ट्रेशन आता है पढ़ाते समय कि हम बोल रहे हैं बच्चा गूंगा हुआ हुआ सुन रहा है और खाली कॉपी कर रहा है। मेरे तो बस का नहीं है अगर बच्चा देख के कॉपी करे, एकदम बस का नहीं है। बट अगर आप कॉपी कर भी रहे हो, घर जाके क्या आपने उसके ऊपर सोचा भी? एकदम कोई भी बच्चा दिल से बोलो कि सर कोई टॉपिक जो पुराना हुआ हुआ है हम उसको बैठ के दिमाग में सोच रहे हैं। सर हम इंश्योरेंस क्लेम पढ़ाए, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, इतना सारा बात किए, क्या घर में जाके एक बार सोचे भी कि सर ऐसे ऐसे बोले थे, ऐसा ऐसा होता है? हाँ, तुमको नॉलेज की क्रेविंग नहीं है। तुमको कौन सा टीचर चाहिए बताए जो क्वेश्चन करा दे और क्वेश्चन एग्जाम में फंसवा दे? ऐसे पढ़ने से जिंदगी नहीं बनेगा, ऐसे पढ़ने से बन जाओगे रोबोट। जो फीड किया हुआ है वो आएगा तो आंसर दे दोगे, चैट जीपीटी, और जो फीड नहीं किया हुआ वो नहीं आएगा तो तुम आंसर नहीं दे पाओगे। ऐसा बनना है तुमको, नॉलेज का क्रेविंग होना चाहिए इंसान के अंदर। तुम लोग अपने आप को क्यों, हमको सच में नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग अपने आप को क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे? क्यों तुम लोग नहीं कर पा रहे? क्यों तुम लोग बैठता नहीं है अपने साथ? क्या तुम लोग में किसी का भी हैबिट है वो अपने से बात करता है कि यार हम इतने पीछे, हमको आगे होना है, हमको लाइफ में आगे बढ़ना है? खाली मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, अरे यार वो इधर चला गया, वो इंस्टाग्राम में ये चल रहा है, वो कोई फायदा नहीं है। क्या आपने अपने आप से बात की? क्या आपने ये समझाया अपने आप को हम थोड़े पीछे, हमको और मेहनत करनी है? क्या उस मेहनत को एक दिन भी किया? हम ज्यादा नहीं बोल रहे, कोई भी बच्चा जो एक दिन सेल्फ स्टडी लेके 3-4 घंटा लगातार बैठा हो, याद करो कोई पुराना दिन जो 2 घंटा बैठ के एक दिन में कुछ पढ़े बैठ के। हो सकता है 10 बच्चों में से 10 बच्चों को याद ना आए कि हम पढ़े भी थे क्या। ऐसे आपका करियर बनेगा? देखो यहां पे ना, ये जो बहुत लोगों का बात आता है ना, सबसे पहले तो देखिए वो लोग कौन है। पास कर लिया, एक सेकेंड, एग्जाम पास करना सब कुछ है क्या? उस लोग किसके सामने तुमको बात करके ऐसा लगता है साला ये नॉलेजेबल है बंदा, ये बात करता है तो यार इसके बात में सेंस है। हम अगर 4 टीचर से मिलते हैं ना, हम बोलते हैं 3 टीचर से बात करना भी मेरे को पसंद नहीं होगा। 1 टीचर जो बात करेगा, जो ऐसा बोलेगा ना कि जो समझाएगा, हम मेरे कॉम्पिटिटर, मेरे टीचर सुदर्शन अग्रवाल सर, हम उनसे हर महीना फोन करके बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमको लाइफ का बहुत कुछ सीखने मिलता है। वो हमको समझाते हैं, देख लाइफ सिर्फ ये नहीं है, इधर भी ध्यान दे, सब करने के बाद खुश तो है ना, दोस्त लोग से मिलता है कि नहीं। हम लोग कभी भी ये बात नहीं करते हैं आपके पास कितना स्टूडेंट, मेरे पास कितना, अरे वो तो सबसे बात करते हैं यार, दिन भर तो वही चीज चल रहा है लाइफ में। तुमको देखना होगा जो आदमी तुमको बोल रहा है, इज ही मेकिंग सेंस और नॉट, इज व्हाट ही टॉक्स इज सेंसिबल और नॉट। तुमको हम बोल रहे हैं ना, तुमको क्या क्या राय मिलता है हम बताता है, दूसरा बच्चा क्या बोलता है? भाई पहले क्लास कंप्लीट कर ले, सारा क्लास कंप्लीट कर ले भाई, फिर बैठ के जोरदार रिविजन करना। मेरे बच्चे 100 क्लास कंप्लीट करने के बाद अगर तुमने पहला क्लास से जो पढ़ा उसको कभी नहीं देखोगे, तुम कितना ही तेज हो, तुमको रिविजन करते करते महीना भर लग जाएगा तो भी जो पढ़ते जाओगे सब भूलते चले जाओगे। कभी भी पढ़ाई रिविजन, जितने भी बच्चे आज तक हमारे रैंक होल्डर हुए हैं, सब में एक एक चीज कॉमन था, वो क्लास के साथ साथ पढ़ाई करते थे, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ। मैं जब भी किसी भी टीचर के पढ़ाऊं, इंक्लूडिंग मैंने कोर्स पढ़ा आलोक सर से, किसी से भी पढ़ा है, मेरा यह आदत था कि क्लास का डिस्कशन घर जाके खुद से डिस्कस करना, क्या हुआ आज। अब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते, तुम लोग को तो मार्जिनल कॉस्टिंग शायद टफ लगता होगा या किसी किसी को टफ लगता है, हम लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा लगता तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला भी नहीं, हम तो फॉर्मूला देखते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने से बात करते थे।
तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग सिर्फ कॉपी को कॉपी की तरह देख के पलट के बंद कर देते हो। एक किसी का भी मत सुनिए, आप अपनी रोड्स खुद बनाइए। आपको सुनना है, आपको पूछना है, आप उनसे पूछिए जिससे आपको लगता है कि भाई सेंसिबल आंसर देगा। ऐसा हम भी तुमको बोल सकते हैं अभी से बैठ के 16 घंटा पढ़ो, सेंसिबल नहीं है, बेवकूफी है, 16 घंटा नहीं पढ़ सकते, तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करेगा। तुम 2 घंटा बैठ जाओ तो बड़ी बात है, तुम 16 घंटा दिन में पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग हैक हो जाएगा। तुम उसके बाद उस दिमाग को 3 दिन तक तुम हो सकता है 100 सिर्फ, तुम्हारा दिमाग इतना थक जाएगा। बट हर दिन 12 घंटा 10 घंटा पढ़ना चाहिए। तुम्हारा एज सिर्फ पढ़ाई का है, तुम्हारे पास कोई दूसरा काम? तुम घर के लिए कमाने निकलते हो? नहीं निकलते हो। तुम घर के लिए पैसा जोड़ने निकलते हो? तुम्हारे मम्मी पापा तुमको मजदूरी करने भेजते हैं? जब साला कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करना है, ये लाइफ का सबसे इजीएस्ट काम है। सर क्या बोल रहे हैं सर, पढ़ाई सब टफ है सर, एक बार कुछ बन गए उसके बाद तो कुछ ही नहीं करना। आप मिसकॉन्सेप्शन में हैं। बनने के बाद रगड़ा जाता है आपको, कोड़े मारे जाते हैं, लाल कर दिया जाएगा आपका जिस दिन आप जॉब में लग गए। हर दिन किसी ना किसी से पीट के आओगे, थे गाली से, बातों से। वो प्रेशर होता है, आज कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम फ्री हो अपनी लाइफ में, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ये जो तुम पीछे खोल के देखते हो ना, मेरा सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम है, फिर हमने उन 5 क्लासों में किया क्या? व्हाट डिड वी डू इन दोस 5 क्लासेस? वी हैव वेस्टेड अवर टाइम इन दोस 5 क्लासेस। पढ़ना पड़ेगा जी, पढ़ना पड़ेगा। और एक भी क्वेश्चन पीछे जाके देखो जो मैंने नहीं करवाया तुमने किया है। सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं क्लास में, तो भी तुमको पीछे खोल के देखना पड़ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट गया कहां? फिर तो वही हो रहा है ना, जितना क्लास में चल रहा है सर बोल रहे उतना कर लो, घर जाके देखेंगे, और घर जाके देखने का ही टाइम नहीं है बच्चे के पास। गलत राह पर चल रहे हो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू शिफ्ट योर वेज टू द राइट पाथ। मेरा कुछ नहीं है, सिलेबस खत्म करवाना है करवा देंगे, सिलेबस खत्म करवाना करवा देंगे, कंप्लीट कर देंगे, फटाफट कर देंगे। अभी तो हम स्लो क्यों चलते हैं? सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि क्लास का दूर से दूर बच्चा कम से कम कुछ क्लास से लेके जा पाए। नहीं तो हम इतना चीज CA इंटर में हायर परचेज 4-5 क्लास, तुम्हारा लगेगा 7-8 क्लास। हमको हर दिन सम सॉल्व करवाना पड़ता है, हर एक सम सॉल्व करवाना पड़ता है। मतलब मेरे पास CA में बच्चों की क्या क्वेरी आती है तुमको मैं बताऊं? अगर एक मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया और गलती से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना भूल गया, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा बताइए। जबकि आज तक जितना भी मैंने होमवर्क दिया, ऐसा हो नहीं सकता कि वो सम क्लास में नहीं कराए बिना होमवर्क दे दिया। सेम सम होमवर्क देता हूं, उसमें ये क्वेरी आता है, सर इस सम का हमको बताइए ना कैसे होगा, सर आपने करवाया नहीं क्लास में। मतलब मैंने ये वो जो बोल रहा ना, हमने करवाया नहीं, करवाया नहीं मतलब मैंने होमवर्क दिया था, और वो तुमसे, क्योंकि मैं हर चैप्टर के बाद तुमसे पूछता हूं देख ले कोई सम छूटा तो नहीं। हर चैप्टर के बाद तुम देखोगे, मैं तुमसे पूछता हूं देख ले सारा सम हो गया ना। तुम एक सम भी खुद से ट्राई नहीं कर सकते। अगर ऐसा पढ़ाई कर रहे हो तो इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चे, ये बीकॉम जैसा हो गया है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से, ये बीकॉम जैसा हो गया है। एंड अगर बीकॉम जैसे पढ़ोगे तो नौकरी भी बीकॉम जैसा लगेगा, 20,000-25,000-15,000 पर महीना, और वो तुम्हारे शक्ल पे देख के मिलेगा। जो थोड़ा ठीक दिखता है उसको 20 दे देंगे, जो थोड़ा नॉर्मल दिखता है 15 दे देंगे, बस बात खत्म। तुम्हारी नॉलेज वोंट स्पीक, तुम्हारा अटायर विल स्पीक। ठीक है, देखने में ठीक है, बात कर लेगा 4 दिन से, रख लो इसको। आप क्या कर रहे हैं वो आप सोचिए, और जो हम बोलते हैं ना उसका बुरा मत मानिए, उसको समझिए हम क्या बोलते हैं। बिकॉज इट इज नॉट फॉर मी, आई एम वेस्टिंग माई टाइम सेइंग ऑल दिस टू यू। मैं चाहता तो फटाफट मैं अभी भी तुमको नहीं करने देता, मैं फटाफट खुद सॉल्व करता, मेरे को 1 मिनट लगता, तुम भी खुश हो जाते, हम भी खुश। बट ये जो 15 मिनट मैंने इधर तुम्हारे इन्वेस्ट कर दिया, इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर योर गुड। एंड नहीं समझ पा रहे हो तो तुम दूर हो, कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा हमको बोलना बंद कर देना चाहिए। टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्लास में पढ़ाकर एग्जाम के लिए रेडी करना नहीं होता है। टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू शेप यू, कि तुम कहीं जाओ, तुम कहीं बोलो तो यू मेक सेंस। बोलो तभी व्हेन यू मेक सेंस, अदरवाइज कीप क्वाइट, दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड बी समवन हु कैन मेक सेंस, डोंट बी लाइक अदर स्टूडेंट्स, डोंट बी लाइक अदर पीपल हु आर जस्ट सीइंग एंड सॉल्विंग। एग्जाम पास करने से लाइफ नहीं बनेगा, नॉलेज होने से लाइफ बन जाएगा।
नॉलेज हुआ और तुम्हारा जॉब नहीं भी लगाना, तुम जिंदगी में कुछ कर लोगे, और नॉलेज नहीं हुआ, जॉब लग गया तो घिस लेंगे, जैसे भी कम बेसी चलेगा, और जॉब नहीं मिला तो पूरा जिंदगी भर प्रॉब्लम हो जाएगा। नॉलेज के लिए क्रेव कीजिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा सीखिए, खाली एग्जाम ओरिएंटेड होने से नहीं चलेगा, समझिए मेरी ये बात। एंड जब भी कोई चीज ऑलरेडी हो चुका है, तुमने बोला हाँ मेरे को, मैंने कोई टॉपिक तो ऐसा छोड़ा नहीं जो तुमने, मैंने तुमसे पूछा हो गया समझ में, आगे ना आगे चलूं, तुमने बोला हाँ आगे चलो, तभी तो मैं आगे गया। अगर तुम बोलते नहीं भैया मेरे को पीवी नहीं समझ में आया तो मेरे को वापस समझाना है, बट मैंने जब उस दिन तुमसे पूछा तुमने बोला समझ में आया, समझ में आया, तो तुम क्यों पीछे देख रहे हो? कहीं ना कहीं कमजोरी है, उस कमजोरी को आइडेंटिफाई कीजिए, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। ये उम्र है, आप शिफ्ट कर लोगे अपने आप को, 2-3 साल निकल गया, इतने रिजिड हो जाओगे कि शिफ्ट करने नहीं मांगोगे, तुम्हारा ईगो तुमको शिफ्ट करने नहीं देगा। अभी तो तुम जैसे बोलेंगे वैसा ढल जाओगे, ठीक है चल, ठीक है सर आप ये बोल रहे हो हम ये पढ़ें, एंड जैसे जैसे बोल रहा हूं मैं तुमको चैलेंज देके बोल सकता हूं, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ, जिस दिन तुम एग्जाम दोगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा, अगर तुम बोल दोगे ना सर आपके हिसाब से पढ़े मेरा नहीं हुआ, मैं मान लूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वापस तुम मेरे से आके पढ़, मैं तेरे से 1 रुपया नहीं लूंगा। बट जैसे बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा। तुमको रोज 2 क्वेश्चन बनाने देते हैं, सिर्फ क्यों देते हैं पता है? ताकि तुम कोई पुराना चैप्टर भूलो नहीं, और जो नहीं बना रहा है इतना दिन मेरे रेगुलर देने के बाद भी, उसको हम क्या ही समझाएं? धीरे धीरे ये हो जाएगा कि तुम्हारे पुराने चैप्टर तुम्हारे एकदम फिंगर टिप्स भी हो जाएंगे, तुमको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा ना तुमको पहले ही दिख जाएगा, अरे ये नवंबर 19 वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा। वो एग्जाम पास करवाने के लिए, हमको एग्जाम भी तो पास करवाना पड़ेगा, वो एग्जाम पास कराने का टेक्निक है कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट का हर एक सेम तुम्हारा दिखा हुआ होना चाहिए, बट क्लास में एग्जाम पास के हिसाब से पढ़ा नहीं सकते। वो पढ़ाने लग गए ना तो तुम खुश हो जाओगे, कब तक? जब तक एग्जाम हो रहा है। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ रियल वर्ल्ड में गए कुछ नहीं बोल पाए, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या पढ़े साला, कोई पूछ रहा हम बता ही नहीं पा रहे। थोड़ा सा अपनी आदतों को चेंज कीजिए, अदरवाइज फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। डोंट डू दैट। हम नहीं चाहते प्रॉब्लम हो, हम नहीं चाहते सीएमए डिग्री हाथ में होने के बावजूद आपको जॉबलेस रहना पड़े, एंड ये रियलिटी है। गो टू द ग्राउंड लेवल, सी पीपल जो सीएमए बने हुए हैं, सीए भी बने हुए हैं। तुम देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पास होने के बाद भी नौकरी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ओनली रीजन वॉज उन्होंने सिर्फ पास होने के लिए डिग्री ली है, उन्होंने कभी पढ़ाई की ही नहीं है कि उनको पता रहे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। डोंट बी सच अ पर्सन, डोंट बी सच अ फूल। और जो रोज रोज भटकते हैं ना, आज आए कल नहीं आए, फिर आ गए फिर नहीं आए, ये कर्स है। इससे तुम्हारा जितना खराब होगा दूसरी चीज कोई है ही नहीं। बीइंग इनकंसिस्टेंस, इररेगुलर एंड इनडिसिप्लिन इज द कर्स टू अ प्रोफेशनल करियर। इफ यू आर इररेगुलर, इफ यू आर इनकंसिस्टेंस, इफ यू आर इनडिसिप्लिन, आप उससे खराब कुछ कर ही नहीं सकते अपने प्रोफेशनल करियर में। और जब अभी फैसिनेशन बहुत है, हमारा लाइफ काम इस स्टेज पे है कि हर लड़के को लड़की चाहिए और हर लड़की को लड़का चाहिए। आप उस स्टेज पे हैं, हम भी उस स्टेज से गुजरे हैं, बट ये ना हमारे लाइफ का सबसे छोटा गोल होना चाहिए। मतलब ये गोल ऐसा होना चाहिए, अच्छा मिलेगा मिलेगी तो सोचेंगे, नहीं तो हम अपना मेन गोल पे फोकस करेंगे, ये गोल अपने आप हो जाएगा। हम लोग इस गोल को बना देते हैं सबसे बड़ा, और इसके पीछे इतने हम लग जाते हैं कि हमारा करियर हो जाता है खराब। और करियर खराब होने के बाद लड़की तो छोड़, तेरा बिल्डिंग का दरवान तेरे को नहीं पूछेगा, वो भी बोलेगा सारा फेल हुआ चल निकल, वो भी बोल देगा, और नहीं बोलता होगा मन में यही सोचता होगा देख के। सो फोकस ऑन योर मेन गोल, एंड योर मेन गोल इन द नेक्स्ट 3 ईयर शुड बी योर करियर एंड नथिंग एल्स। ये बन जाएगा ना, अपने आप लाइफ में जो चाहिए सब मिल जाएगा, जो चाहिए सब मिल जाएगा, एक भी चीज बाकी नहीं रहेगा। फोकस कीजिए, देखिए मत, ट्राई कीजिए, गलती कीजिए ना। आपको गलती करने के लिए ऐसा हुआ है कोई गलती की और हम तुमको बोले यार इतना बेकार पढ़ता है तुम? मैंने कभी किसी को क्लास में ऐसे अंडरमाइन किया यार तुम गलती करता है? हम उसको मार सकते हैं, हम उसके पास जाएंगे देखेंगे कॉपी में, हम उसको मार देंगे, बट हम उसको बोलेंगे नहीं यार तेरे को कुछ नहीं आता।
गलती करने से मत डरिए। आप लोग पीछे क्यों देखते हैं? जस्ट कि मिस्टेक ना हो जाए। मिस्टेक करने से काहे डरते हैं? मिस्टेक करने से तो सीखेंगे, ओ ये लिखना था ये नहीं लिखना था, और पीछे देख लिए तो मिस्टेक होगा नहीं, मिस्टेक होगा नहीं तो पता ही नहीं रहेगा आपको आता है कि नहीं आता है। एंड द ट्रूथ इज आपको नहीं आता है। आपके मम्मी पापा आप लोग से बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, और अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो आप उनकी उम्मीदों पे पानी फेर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। डोंट डू दिस, रिग्रेट होगा। आज नहीं पता चलेगा, 2 साल बाद 3 साल बाद जब यही वर्ड तुम्हारे कान में वापस गूंजेंगे तुमको ऐसा लगेगा उस समय बोले थे, सुन लिए होते। तो सुनो और समझो और करो, नहीं करोगे बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। एंड तुमको बोल रहा हूं इससे इजी कोई कोर्स नहीं है। व्हेन आई से दिस वर्ड्स आई मीन दिस वर्ड्स। CMA चिंदी कोर्स है व्हेन इट कम्स टू एग्जाम क्रैकिंग। कुछ नहीं है इसका एग्जाम क्रैक करना, तुम्हारे सपोर्ट में पेपर दिया जाता है कि बच्चा पास हो जाए। 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 15 से 20 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन, कितना गया 45 मार्क्स, 100 में 45 मार्क्स जब तुम्हारे लायक का क्वेश्चन है, खाली 55 ही तो निकालना है, और उसमें भी क्या सारे चैप्टर टफ होते हैं, दो दो चॉइस देता है तुमको एग्जाम पेपर में, बीकॉम में भी दो ही चॉइस मिलता होगा, इधर भी दो चॉइस दे देता है। बीकॉम लेवल से भी नीचे लेवल का पेपर CMA इंस्टीट्यूट बनाता है, ये ट्रूथ है। तुमने कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह खोलना, तुमको देखेगा साला सब बेसिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, मतलब वो देता है तुमको पास होने के लिए। बट तुम लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है इतने नीचे चले जाते हो कि उसका पेपर, उस इजी पेपर में भी तुम फेल होके आ जाते, ओनली बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। CMA एग्जाम से फाउंडेशन में तो मैं बोलता ही हूं फेल होना ज्यादा मुश्किल है पास होने से। CMA एग्जाम्स में, इंटर में भी मैं बोल रहा हूं फेल होना ज्यादा मुश्किल है पास होने से। जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे करते चले जाओ, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान दो, थ्योरी थोड़ा ध्यान दो, तुम देखोगे अपने आप सब चीजें लाइन पे आ जाएंगी। हो सकता है तुम्हारा सिलेबस CA से भी बड़ा हो, पर तुम भी जानते हो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। लॉ का कभी पेपर खोल के देखोगे तुमको हंसी आएगा, क्या हम केस स्टडी देख रहे थे, एक ठोवी नहीं पूछता है। तुम लोग केस स्टडी पढ़ते हो ना लॉ की क्लास में, केस स्टडी ये वो, अगर आपने CA वाला ट्यूशन लिया होगा तो आपको केस स्टडी वेस्टडी बहुत सारा देखने मिल रहा होगा, बट वो एक ठोवी नहीं पूछता एग्जाम में। एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता है। अब नए सिलेबस में आधा एक आधा दो केस स्टडी वो देगा, इतना दिन जाने के बाद वो चेंज लाया है, और वो भी दो केस स्टडी देगा, 90 मार्क्स का पेपर वैसा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। अगर आप फेल हो रहे हो सिर्फ एक चक्कर में, बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, मत रहिए लेजी। कुछ नहीं होगा, थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो आगे आपका ही भला होगा। थोड़ा समझिए इन बातों को, आप लोग बच्चे नहीं रहे हैं कि आप लोगों को समझाना पड़े, बट क्या होता है ना, हर उम्र की बात होती है, तुम्हारे इस उम्र में ये भटकना ही आम बात, और कुछ लोग भटके हुए भी हैं। जितना जल्दी लाइन पे आएंगे उतना जल्दी आप कुछ कर पाएंगे, और जितने लेट से लाइन पे आएंगे उतना ज्यादा रिग्रेट होगा लाइफ में आगे जाके। तुम लोग क्लास में आते हो, तुम लोग तो सुबह उठ के ही क्लास में आ रहे हो, तो भी तुम लोगों की आंखों में नींद है। कुछ बच्चे तो ऐसे लग रहा है 20 हो जाएंगे, ये भी तो ये और इसका भाई आधा दिन क्लास में सोता है, तुम और इसका भाई भी, तुम उसको क्लास बोल रहे हैं, तुमको आंख में नींद है तुम्हारे। उस दिन जब तुम इधर बैठे थे 2 दिन तब तुम्हारा नींद था, तुम सो रहा था, तुम लिटरली सो रहा था। हम तुमको टोकेंगे इस बार बीच में, जब तुम करेंगे ना इस बार हम टोकेंगे, ठीक, हम टोकते नहीं अब हम टोकेंगे, ठीक, तेरे को पता चलेगा कि सर कितने बार टोके और हम कितने बार सोए, ठीक। तुम लोग पढ़ने ही तो आ रहा है, पढ़ने आ रहा है इतना लथार्जिक नेचर से, अरे यार क्लास जाना है, चलो एक ही काम करना है तुमको, क्लास जाना है, दूसरा काम ही नहीं है तुम्हारे पास। दूसरा, जो तुम लोग वीडियो वगैरह करते हो, तुम लोग जानते हो तुम लोग के क्लास के बाद ये नीचे वाला रूम खाली रहता है, घर पे जाके काहे करते हो, जब नीचे वाला तुम देखोगे CA वाले बच्चे 4 बजे क्लास खत्म हो जाती है, 7:30 बजे तक यहां बैठे रहते हैं, 7:30 तक यहां बैठे रहते हैं, क्यों? क्योंकि क्लास खत्म होने, हाँ क्लास खत्म होने के बाद 2 क्लास करके जाएंगे, हाँ इधर इसमें एक क्लास खाली रहता है। जिस दिन कोई क्लास होगा उस दिन अलग बात है, या तुम पीछे बैठ के अपना कर रहे, डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो भी चलेगा,
लाइव क्लास होगा तो नहीं होगा, अदरवाइज तुम कर सकते हो। बट क्या है, क्लास खत्म हुआ घर भाग दे भाई, बैग लेके निकल, सर पकड़ लेंगे तो क्या होगा। ये सब चीजें आप में नहीं लैक करती है। और तुमको पता है जिस दिन तुम यहां लैपटॉप लेके बैठना शुरू कर दोगे ना, तुम देखोगे 2 घंटे का क्लास 2 घंटे में हो जाएगा। मना तो नहीं किए तुमको, तुम पूछते कि सर हमको करना है क्लास सारा। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, क्लास होगी तो उस समय क्लास होगा, नहीं होगा तो तुम बैठो। हाँ, तुम वेस्ट मत करो कोई चीज को। बैठा एक जना है, 20 लाइट जला के रखा है, 3 AC चल रहा है, ये गलत हो गया। ये हो गया शोषण करना कि नवीन क्लासेस में बोला गया बैठो तो चलो नवीन क्लासेस को चूसते हैं, ये गलत। शोषण नहीं होना चाहिए। आप बैठे हो, आप अकेले हो, आप देखिए एक लाइट जला के हम अपना पढ़ रहे हैं, एसी चला है, एक तो एसी चल रहा है, लाइट चल रहा है, पढ़ रहे हैं। मैं सब चला सकता हूं अगर सब बैठे हैं तो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के दिया से इतना तो हम कमा सकते हैं कि हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। बट अगर तुम एक जन हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई चीज वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सब चीजें जितनी तुम वेस्ट कर रहे हो ना, दूसरे लोग नहीं मिल पा रहे हैं उन लोगों को। तुम जितना ज्यादा यूज कर रहे हो उससे दूसरे लोगों को नहीं मिल पा रहे। तुम बैठो ना, पढ़ो ना, तुमको कौन मना किया है? डिस्टर्ब मत करो किसी को, फोन मत यूज करो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। जब तुम 2 घंटा बैठे हो, इंश्योर करो 2 घंटा क्लास करोगे तो। थोड़ा बहुत ये सब चेंजेस नहीं लाएंगे ना अपनी लाइफ में, आप लोगों से पीछे रह जाएंगे। और हम नहीं चाहते आप लोगों से पीछे रहे, क्योंकि मैंने आपसे अगर पैसे भी लिए ना, मैंने बहुत मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिए कि कम से कम तुम्हारा करियर बन जाए। चाहे मैं तुमको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाऊं, 1 ही सब्जेक्ट पढ़ाऊं, फर्क नहीं पड़ता है, बट तुम्हारा करियर मेरे कारण खराब नहीं होना चाहिए कि यार ये नहीं पढ़ा इसीलिए मेरा करियर रह गया, ये सर बोले नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा, सर हमको बताया नहीं CMA एग्जाम में क्या, ये नहीं होना चाहिए। ये होने से उस दिन मेरे को खराब लगेगा, यार खराब हो गया। अभी एक बच्चे का 3 दिन पहले की बात है, CMA फाइनल, एक लड़की क्लास ली तो उसको कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हुआ, मेरी टीम ने उसको हेल्प किया, चालू कर दिया। अब वो खुद लड़की चालू करवाई, करवाने के बाद वो लड़की 7 दिन बाद बोलती है, अरे हम बोले थे ना अभी मेरा क्लास चालू मत कीजिए, आप क्यों चालू कर दिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारा ज्ञान। और इंग्लिश में रूडली जिसको बोलते हैं ना, आप लोगों को कुछ नहीं है, आप लोग बिजनेसमैन है, ये वो हैन तैन। मेरे को टीम ने बोला, मैं बोला इसके पैसे पूरे के पूरे वापस कर दीजिए, इनका क्लास बंद कर दीजिए, नहीं चाहिए। तुम जिस सोच से शुरू करते हो ना, वो सोच तुम्हारे लाइफ में पूरे दिन रहेगा। मतलब तुमने अगर ये सोच बांध लिया ना, अब अगर तुम्हारा मिस्टेक भी होगा ना, तो तुम बोलेंगे नहीं यार यहां तो ऐसा ही होता है, उससे अच्छा उस लड़के से छुटकारा पा जाओ। मैंने उसको एज इट इज बोला, आप पूरे पैसे वापस कर दो, कुछ नहीं चाहिए, उनको बोल दो बुक्स वापस भेज देंगे, आपको जिससे पढ़ना है पढ़िए ना, हमको प्रॉब्लम, हम थोड़ी आपको बुला के लाए थे। मैंने कभी आपको बोला आप मेरे से आके पढ़िए? आपका डिसीजन था ना। मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जब पढ़ाऊंगा आपको ऐसा नहीं करूंगा कि मैं भाग जाऊं, मैं जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे पढ़ाऊंगा, ताकि क्लास का हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। बट तो भी अगर आप मेरे से या किसी आदमी से रूडली बात करोगे, मेरा सिर्फ एक ही है, आपको हम आपके पैसे दे देंगे, आप चले जाइए, और आपको जहां पढ़ना है पढ़िए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक बार आपके दिमाग में वो आ गया ना, आप हर दिन उसी बात को लेकर किसी ना किसी को वार्तालाप करेंगे कि यार देखिए ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, जो हमको नहीं करना है अपने लाइफ में। हमको किसी का हाय नहीं लेना है, पैसा कम कमाएंगे चलेगा, किसी का खराब बात नहीं चाहिए मेरे को अपने पास। तो मेरे लिए एक बात खराब सोचोगे ना, मेरे लाइफ में 10 खराब होने लग जाएगा। हम नहीं चाहते तुम सोचो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके आप अपनी पढ़ाई को सोचो, आप कहां जा रहे हो आज, सिर्फ घर जाके 1 घंटा अपने आप से बात करना। हम लाइफ में पहले सोचना क्या करना चाहते हैं, पहले वो सोचना, पास्ट मेरा कैसा था, अब हम क्या कर रहे हैं, और क्या जो हम कर रहे हैं वो पास्ट से बेटर और फ्यूचर में जहां जाना चाहते हैं वहां तक हमको पहुंचा सकता है कि नहीं। अगर आपका आंसर आए हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे चल रहे हो चलो, अगर आंसर आए नहीं, अपने आप को आज ये डिसीजन लेके कल से रिवैम्प कर लो। कल 1 जुलाई है, नया महीना चालू हो रहा, अपने तो यही देखते ना, नया वीक या नया महीना चालू हो तो जिंदगी में कुछ करें। कल नया महीना चालू हो रहा है 1 जुलाई, लास्ट 6 महीना बाकी रहेगा टू योर एग्जाम। तुम्हारा एग्जाम जनवरी से पहले नहीं होगा, 6 महीना बाकी रहेगा, तो अब ये 6 महीना डेडिकेट टू योर करियर।
बट इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, अपने साथ एक घंटा बैठना। और सबसे अच्छा कहां बैठना, मोबाइल छोड़ के घर पे, गंगा घाट पे, गंगा घाट पे नहीं, तुम कुछ कर लोगे। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 गलत बोल दिए, आई टेक माई वर्ड्स बैक। तुम घर पे मोबाइल फोन छोड़ के छत पे या कोई पार्क में जाके खाली घूमना और सोचना। अपने आजकल जाना बंद कर दिए ना, हर जगह घर जाके बैठ जाते एक ठो रूम में, आप जाके सोचिएगा कभी। और ऐसा मौसम अभी तो इतना अच्छा है, शाम को 5 बजे किसी पार्क में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं हेवन में आ गए। सिर्फ आधी घंटा सोचिए अपने बारे में, आप देखेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपको लाइफ में क्या चेंज करना है। और कल 1 जुलाई है, कल ही से इंप्लीमेंट कर दीजिए। 6 महीना कंटिन्यूअस एफर्ट्स, जनवरी का रिजल्ट विल बी डिफरेंट। एंड 6 महीना आलसपन, जनवरी के बाद जून आने में तो टाइम लगता नहीं है, आ जाएगा वो वापस। बट आपने उस दिन, वो दो बच्चे आए थे बता रहे थे, फर्स्ट एग्जाम में पास होना कितना जरूरी है। तो आपके लिए सीएमए इसमें, कल मैं कोट कर सकता हूं, मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धार्थ भैया ने एक वीडियो बनाया, सिद्धार्थ अग्रवाल सर एक वीडियो बनाया, मैं देख रहा था, अच्छा वीडियो बनाया, डिफरेंस बिटवीन सीए एंड सीएमए, बहुत अच्छा वीडियो बनाया। उनमें उन्होंने लास्ट पॉइंट लिखा था कि सीएमए में रैंक होल्डर और पास फर्स्ट टाइम में होना बहुत मैटर करता है। उनका वीडियो वो बहुत मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि बहुत प्रेसाइजली वो बताए कि सीए और सीएमए एग्जाम्स में डिफरेंस क्या है, बहुत अच्छा बताए वो। सुनना वो वीडियो, तुमको समझ में आएगा कि क्यों फर्स्ट टाइम पास होना बहुत जरूरी है। सच है, 100% सच है ये। तुम बोलेगा हम तेरे को 10 बच्चे से बात करा देगा जो सीएमए पास हो चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो 10 तेरे को यही बोलेगा भाई फर्स्ट टाइम में पास हो जाना बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा क्लियर एक बार में होना चाहिए, रिजल्ट फेल नहीं आना चाहिए। तुम एक ग्रुप करो। बट वापस बोल रहा हूं हर्षवर्धन, अभी वो डिसीजन का टाइम नहीं है। वो डिसीजन का टाइम कब आएगा, नवंबर दिसंबर, जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे ना नवंबर में अक्टूबर में, तब वो डिसीजन। आज वो डिसीजन बहुत अर्ली है, तुम अपनी पोटेंशियल को खराब कर दोगे अगर तुम्हारे अंदर कुछ है तो। नहीं और तुम जानते हो उसको, तो हम कुछ नहीं चेंज कर सकते। बट अगर पोटेंशियल है, मैं बोलूंगा ट्राई, पढ़ो, टाइम इन्वेस्ट करो अपने आप पे। वो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट था ना, वो वीडियो जरूर देखना एंड देन अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड। जिसका जो बात अच्छा है वो तो बोलना पड़ेगा। उनका वो वीडियो मेरे को बहुत जबरदस्त लगा, इतना प्रेसाइजली उन्होंने इतना क्लियर समझाया ना कि लिटरली मैं देख के बोल सकता हूं कि वो वीडियो में 100% सच है। वो जितने भी वीडियोस डालते हैं ना रिलेटेड टू मोटिवेशन और सेल्फ लाइफ, उनके एक भी वीडियो में एक भी बात फिल्टर्ड नहीं है, सब सही बात है। यू कैन फॉलो हिज चैनल एंड यू कैन टेक व्हाट ही सेज एंड इफ यू डू दैट यू विल ऑलवेज गेट बेटर रिजल्ट। उन सब चीजों पर ध्यान दो, ये सब करोगे तब होगा। इधर उधर का ऐसे थोड़ा स्नैपचैट, थोड़ा इंस्टाग्राम बंद करके थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, ज्यादा काम आएगा। बोल सकते हो किसी या सीएमए या इंडस्ट्री उन्हीं सीएमए को डिमांड करती है, उन्हीं डिमांड करती है जो फर्स्ट टाइम में पास हो रहा है, मतलब जो केपेबल है कि एक बार में एग्जाम क्लियर करे। जो 2-3-4 बार ले रहा है, इंडस्ट्री बोल रही है इसके पास नॉलेज कंटेंट थोड़ा कम है इसलिए एग्जाम भी पास नहीं कर पाए, क्योंकि इंडस्ट्री भी जानती है कि सीए के एग्जाम से सीएमए का एग्जाम इजियर होता है। यहां कोई बच्चा फेल होके आ रहा है, मतलब उस बच्चे में थोड़ा सा वो स्मार्टनेस का कमी है। तुम स्मार्ट रहो, तुम देखो तुम्हारा पेपर तुम एक बार में सॉल्व कर दोगे। तुम्हारा पेपर स्मार्ट लोगों का पेपर है, तुम्हारे लोगों नॉलेज वाला पेपर नहीं है। नॉलेज वाला पेपर कहां होता है, जहां पे केस स्टडीज पूछता, जहां पे तुमको एमसीक्यू, तुम लिटरली, मैंने तुमको बताया कि नहीं बताया, तुम सीए इंस्टीट्यूट का बुक खोलो, जो एक एमसीक्यू मटेरियल उनका आता है, एक एमसीक्यू देखो, पानी छूट जाएगा तुम्हारे दिमाग से, ऐसे पसीना आने लगेगा, बोलेगा ये क्या, हम तो चैप्टर पढ़ लिए हमको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, सब समझ में भी नहीं आता है। और तुम्हारा एमसीक्यू कैसा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें भी ऑड वन आउट करोगे ना तो 4 में 2 तो ऑड ही दिखेगा, इतना बेकार ऑप्शन ही तो हो ही नहीं सकता, छोड़ 2 में ही कंफ्यूजन होगा। रियलिटी पर आओ, तुम्हारा पेपर स्मार्ट लोगों का पेपर है, तुम स्मार्ट बनो, देखो तुम पेपर क्रैक कर दोगे। इधर मेहनत नहीं चाहिए, इधर स्मार्टनेस चाहिए। बट मेहनत क्यों करना चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ एग्जाम के बिसर नहीं हो, तुमको जहां बाहर पूछेगा तो तुमको आंसर करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा।
स्मार्ट बनो, तुम लोग में स्मार्टनेस का बहुत कमी है। एंड स्मार्ट बनना इज नॉट अच्छा दिखना, स्मार्ट बनना इज तुमसे कोई बात करे तो उसको लगे हाँ भाई इससे बात किया है, किससे बात किया यार, ये तो अलग तेज है यार। वैसा स्मार्ट बनो, दिखते तुम कैसे हो ना उससे खाली फर्स्ट इंप्रेशन पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे से मिलने आ रहा है, अब वो मेरे को नहीं जानता है, अब वो मेरे को देखा, अरे यार कैसा ये मोटा सा आदमी, इसको कुछ आता भी होगा यार, मान लो बोला, हो सकता है ये इट इज नॉर्मल, ये इंसान का है, ये हम लोग ऐसे ही जज करते हैं, और यार वो तो बहुत सुंदर दिख रहा है यार, पक्का स्मार्ट होगा। हो सकता है वो आके बोले तुमको समझ में आ जाएगा, बड़ा ही बोल नहीं रहे वो वर्ड जो हम लोग बोलते हैं ना, यार क्या है, समझ गया ना, बस वही। इट्स नॉट अबाउट अपीयरेंस, सिर्फ फर्स्ट लेवल पे काउंट करता है, फर्स्ट टाइम जब मिल रहे हो, उसके बाद कोई आपसे मिलना चाहेगा तभी जब आप उनके टाइम का सेंस बना रहे हो। नहीं तो आज एक आदमी 10 मिनट भी तुमसे बात नहीं करना चाहेगा, अगर उसको लगेगा 10 मिनट भी वेस्ट हो जाएगा, छोड़ फोन उठाई मत इसका। तुम भी ऐसा ही करते हो, कोई लोग अगर फोन तुम्हारा, तुमको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम उसका फोन ही नहीं उठाते, तुम इग्नोर मार देते हो, तुम ऐसा कोई ओलमा देते हो कि बात ही ना करना पड़े, क्योंकि तुम अपने से स्मार्टर आदमी खोज रहे हो, तो तुम्हारे से जो कम स्मार्टर है तुम उसको पहले ही फिल्टर कर दे रहे हो। तो तुम ऐसा कर रहे हो तो दुनिया भी ऐसा ही कर रहा है, ऐसा ही कर रहा है, तुम फिल्टर हो जाते हो, कोई बात ही नहीं करना चाहता है। एंड इट्स नॉट अबाउट अपीयरेंस, इट्स अबाउट व्हाट यू से इज मेकिंग सेंस और नॉट। इफ इट इज मेकिंग सेंस पीपल विल टॉक टू यू डे एंड नाइट, वो खुद फोन करेगा, अरे भाई ये कैसे होगा बताना, अरे भाई ये कैसे होगा बताना, अरे ये कैसे होगा बताना, दे विल टॉक टू यू डे एंड नाइट, वो बार बार फोन करेगा तुमको। इफ इट इज नॉट मेकिंग सेंस दे वोंट पिक अप योर फोन, दे वोंट पिक अप योर फोन। सो बी स्मार्ट, पीपल बात करना चाहे तुमसे ऐसा बनो। एंड कपड़े कैसे पहनते हो, कितना महंगा पहनते हो, सब एक बार के लिए चलता है, सिर्फ एक बार, पहली बार देखने से मैं क्या लग रहा है। कोई मीटिंग में जाते हैं तो सूट इसलिए पहन के जाते हैं कि पहली बार देख के कोई ये ना एक बोका आ रहा है, उसको लगे कि ठीक आ रहा है, तब हम बोले तो सुनेगा भी। बट एक बार तुम मीटिंग में और तुम्हारा इंप्रेशन बन गया, फिर तुम सूट खोल के हाथ कहाँ चढ़ा कोई देखेगा भी नहीं, तुम कोई नहीं देखेगा, किसी को मतलब नहीं है। मेक सेंस व्हेन यू स्पीक। चला कैश प्राइस निकाल, सॉरी इधर आ जाओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना है, ईयर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं आ रहा है, सॉरी ऑनलाइन वाले भी सामने नहीं है तो बोलना ये मैंने सबके लिए है, जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव करे उनके लिए तो हाथ जोड़ के है कि भाई पढ़ लो, और क्वेश्चन खुद ट्राई किया करो, बार बार ये भी कर दीजिए ये भी कर दीजिए, मांगने का आदत छोड़ दो। मैं सच बोलता हूं, एक क्वेश्चन अगर मेरे से गलती से किसी चैप्टर में छूट जाएगा ना, मेरे को कम से कम 20 बार 20 जन को तो मैसेज आएगा सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा बता दीजिए, तो जबकि हो सकता है सेम क्वेश्चन सेम टाइप का मैंने क्लास में करवा दिया, छूटता तो छूट तो सकता ही नहीं है। क्यों नहीं छूट सकता, क्योंकि मैं लास्ट में जाते से मैं सब देखता हूं मैंने करवाया कि नहीं, बस वही होमवर्क दे देते हैं, और होमवर्क उस समय नहीं किया तो क्लास में जब होमवर्क नहीं किया तब तो याद था ठीक है होमवर्क नहीं किया, 3 महीने बाद तो उसको भी याद नहीं था भैया होमवर्क दिए थे या क्या दिए थे, फिर देखता अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरा छूटा हुआ है, चल भैया से ही पूछ लेते हैं कैसे होगा, उस दिन नहीं किया बाद में वो भांडा फोड़ता है और हम लोग के ऊपर कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ करवा दीजिए, तो ट्राई तो कर भाई, सेम को हम बोल देगा ना सेम एज 15 सर नहीं समझ में आया, सीधा नहीं समझ में आया, वो अपने से पत्ता झाड़ लेगा, आप दे दीजिए करके वापस, हम करके भी दे देंगे ना उसे फायदा कुछ नहीं होना, अनलेस यू सिट एंड ट्राई। ये आजकल का आदत हो गया है, क्यों आदत हो गया पता, आजकल आप जिस भी टीचर से पूछोगे ना अच्छे से अच्छा टीचर आपको यही बोलेगा, आजकल स्टूडेंट को ना और टीचर से रिस्पेक्ट वाला बात नहीं है, आजकल स्टूडेंट को टीचर से सिर्फ अपना मतलब वाला बात है कि हमारा कैसे हो जाए, हमको क्या मिल जाए, हम पैसा दिए मेरे को सर्विस कैसा मिलेगा, आजकल वो रेस्पेक्ट ही नहीं है, हम तुमको सच बोल रहे रेस्पेक्ट ही नहीं है।
रेस्पेक्ट किसको बोलते हैं पता है? सर सामने खड़ा होगा ना, तुम्हारे मुंह से चू नहीं निकलना चाहिए। हम लोग थे ना, हम लोग सर नहीं आते थे तो भला ही 10 जन से बात करें, सर आते ही एक चू निकल जाए किसी के भी बात, कोई भी दोस्त से हो ही नहीं सकता। अब वो रेस्पेक्ट ही खत्म हो गया, क्यों पता है? क्योंकि तुमको दिख रहा है ये नहीं तो किसी और से पढ़ लेंगे यार, छोड़ना। बट ये जो है ना कि किसी और से पढ़ लेंगे, अगर उससे और से पढ़ना होता तो आप थोड़ी आते पहले, आप तो किसी और के पास ही जाते। रेस्पेक्ट खत्म। और रेस्पेक्ट मतलब ये नहीं होता कि मैं आया तो मेरे पैर छुई है, दैट इज नेवर अ रेस्पेक्ट। उसको हम लोग बोलते हैं विकलांग श्रद्धा का दौर। एक हमारे क्लास 11-12 में चैप्टर हुआ करता था हिंदी में, हरिशंकर परसाई का, विकलांग श्रद्धा का दौर। आजकल हम लोग पैर इसलिए नहीं छूते कि हमको रेस्पेक्ट है, इसलिए छूते हैं कि बस बड़ा है छू दो यार, नहीं तो फिर बोल देंगे। जैसे ताऊ जी नहीं छूएंगे तो बोल देंगे, आजकल तो ये भी छूने वाला भी काम कम कर दिए, वो बोल देंगे। ताऊ जी लोग का ऐसा हैबिट होता है कि आया और पैर ही नहीं छुआ, पैर आगे करेंगे थोड़ा थोड़ा, छू दो एक बार क्या होगा, और झुकना नहीं है ना, कमर में सबके स्लिप डिस्क हो गया ना, झुक नहीं पा रहे। झुकने से ज्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम किसी भी आदमी से मिलते हैं, मेरे से बड़ा हो या छोटा हो, अगर मेरे को रिस्पेक्ट देना मैं हमेशा हाथ जोड़ के करते हैं। हम कोई भी आदमी से मिलते हैं ना, हम हमेशा हाथ जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है ना? वो चाहे कोई क्लर्क भी आए हो, अगर वो बड़ा है तो हम हाथ जोड़ लेते हैं, ठीक है अच्छा, तो पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, बोलिए। ये एटिकेट्स होता है। आपको हर बार पैर छूने की जरूरत नहीं होती, आपका कंडक्ट ही बता देता है सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते। तुम अपने हिसाब से ही कर रहे हो, बात किए जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दिस शोज यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग समवन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का जनरेशन ही ऐसा है जो रिस्पेक्ट देना नहीं जानता। बट रिस्पेक्ट पूरा चाहिए, कोई एक बात खराब बोल दे ईगो हट हो जाएगा। रिस्पेक्ट चाहिए, दे नहीं सकते, क्योंकि देने से तो अपना वाला कम हो जाएगा ना, कि हम झुक गए मतलब। बट ये उल्टा है, रिस्पेक्ट जितना देंगे ना उससे ज्यादा वापस मिलेगा। आप जितना देंगे उससे ज्यादा आपको वापस मिलेगा। सब चीजें हैं जो हम लोगों को इस उम्र में आके अब समझनी होगी, और ये सब ना तुम लोग को कॉरपोरेट पॉलिटिक्स में आगे जाने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि हमको पता है तुम लोग कोई भी CMA बनने के बाद प्राइवेट कंपनी में तो जॉब नहीं करोगे, जाओगे सब PwC, Deloitte, KPMG में, क्योंकि तुमसे प्राइवेट कंपनी में खटाई नहीं होगा। बोला इतना खटाई करेंगे, कॉफी मशीन भी नहीं है साला ऑफिस में, वहां कम से कम कॉफी मशीन तो है, दिन में 10 बार कॉफी टेकते हैं। जाओगे तो उसी में, और वहां है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में टिकना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए अपने आप हमेशा पहले आप करते करते चलते जाइए। नहीं सर आप पहले चलिए ना, सर आप चलिए, खाई भी है तो हाँ सर आप चलिए ना, थोड़ा मार रहे हैं, वो पॉलिटिक्स है, उनको वो भी सीखना पड़ेगा। और वो कैसे सीखोगे? जितना नम्र रहोगे उतना ज्यादा आगे निकलोगे। नम्र रहने में खराबी नहीं है, नम्र रहने में हमेशा फायदा है, हमेशा फायदा है। सरेंडर योरसेल्फ। कोई बड़ा आया, हाँ सर आप जो बोलेंगे वही कर लेंगे, वो क्या ही बोलेगा, कुछ नहीं बोलेंगे, बट तुम उसको बोल दो कि हाँ तेरा बात हम मानते हैं, उसी में वो खुश है, फिर बोलेगा ठीक है चल जैसा इच्छा वैसा कर ले। तुम उसको बोले आप जो बोलेंगे कर लेंगे, लास्ट में उठ के बोलेगा तेरा जैसा इच्छा कर ले, इतना सही तो बात बोलना था, इसमें काहे का ईगो। पापा के साथ कभी तर्क बितर्क, फिर ठीक है पापा आप जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे, ठीक है सुन तेरे को जैसा करना है कर लेना, बस ध्यान रखना ये बात, खुद ही बोल देते हैं, मतलब तुमको दूसरी बार बोलना भी नहीं पड़ता है। बट क्या हम लोग का ईगो है, कैसे बोल दिया हम, मेरे जैसे पापा हो जाएंगे तो ठीक कर देंगे 2 दिन में। सबको ऐसा ही लगता है उसके पापा डॉन है, पर मेरे वाले तो सच में डॉन है। मेरे वाले पापा जो है ना, आंख दिखा के टॉयलेट निकालने वाला हालत है। आज भी अगर हम कुछ गलत किए होंगे, हम घर गए ना, पापा का आंख देख लिए ना, ऐसा लग जाएगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे उस रूम में, नहीं जाएंगे हमसे, घर जाएंगे हम अपने रूम में चले जाएंगे। वो डर है, वो डर क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलत करके आए हैं। कुछ भी नहीं, पापा कभी हाथ नहीं लगाए आज तक, एक भी थप्पड़ नहीं मारे, एक बार भी हाथ नहीं लगाए। मम्मी तो मारेगी, मम्मी नहीं मारेगी तो मम्मी का खाना वाना नहीं पचेगा, पता ना, एक्सरसाइज, मम्मी का एक्सरसाइज ही वही था, 2-4 बार तुम्हारे पीछे भाग के 2-4 थप्पड़ मार देगी, फिर खुद, फिर देखो मम्मी को एकदम हेल्दी हो जाएगी। चलो इंस्टॉलमेंट ये रहा।
प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर निकालो, कैसे निकालते थे बताओ, 10% का, तो 1.1 डिवाइड इक्वल टू 0.90909 0.82644 या 645 0.75131 0.68301। अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट कैसे निकालूंगा, मल्टीप्लाई करके, चलो मल्टीप्लाई करता हूं, 280,000 इंटू 0.90909 एम प्लस यूज करना है सबको, 260,000 इंटू 0.82645 एम प्लस, 240,000 इंटू 0.75131 एम प्लस, 220,000 इंटू 0.68301 एम प्लस, एमआरसी 799999 आया है, तो मैं 800,000 लिख दूं, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। आप जितना डेसिमल लोगे ना उतना 800,000 के करीब जाओगे आप। मैंने 5 डेसिमल लिया तो मेरा आंसर आया 799,998.8 विच इज इक्वल टू 8,00,000। आप कहीं पे एक दो रुपया ऊपर नीचे कर दो, 5, 7, 12, 4, 16, 2, 18 इसको 164 कर दो, 264, बात खत्म। एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ऐसे लिख लो, लो मैं लिखना सिखा देता हूं, इसको ऐसे लिखो 799998 इक्विवेलेंट टू, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख ले, हाँ दीदी, कौन सा वाला आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा तब आप वो काम हम लोग तब कर रहे थे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज मिसिंग, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम ऐसे ही करेंगे, या आप बैक कैलकुलेशन मेथड यूज कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, बट 10% आपको यूज करना होगा। अब सुन, दिस इज इक्वल टू कितना परसेंट बोल, 80%, तो बता डाउन पेमेंट 20% कितना, 2,00,000, तो बता कैश प्राइस कितना, क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया हुआ नहीं था, और बिना कैश प्राइस के आप हायर परचेज की अकाउंटिंग नहीं शुरू कर सकते, आई एम ऑल्सो दी विक्टिम, क्या चीज के विक्टिम, प्रणाम करवाते हैं चलो डन, कॉरपोरेट वाले में हो सकते हैं, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स बहुत ही गंदा है, कौन से वाले कैलकुलेटर में, 1 लिखिए, मैं बोल रहा हूं 1 डिवाइड डिवाइड दो बार 1.1 इक्वल टू कितना आया, 1 आया, क्या आया, फिर इक्वल टू दबाइए, अरे आप हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाते क्यों है, कुछ नहीं आ रहा है, इक्वल टू रह रहा है, कैलकुलेटर की चेंज कीजिए, एक बार दिखाइए, 1 डिवाइडेड बाय 1 तो 1.1 तो कुछ तो होना चाहिए था, एक बार रुकिए, ओके आपका कैलकुलेटर उसमें भी वो दे दे रहा है, हो गया, जाइए 1.1 लिखिए, 1.1 1.1 दो बार डिवाइड, अब इक्वल टू दबाइए कितना आया, फिर इक्वल टू दबाइए, अब यहां से शुरू कीजिए, 0.9090 आ गया, अब कर लीजिए डन, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटर में किसी किसी में डिफेक्ट रहता है, कैश प्राइस 10,00,000 आ गया, अपने यहां से बात कर सकते हैं, अब आगे चल, ये पहला 3 लाइन पढ़ा हमने, ये निकला, आगे देख क्या बोला, ऑन एज फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31/12/12 डेट देख के बताओ कौन सा इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31/12/11 को था, हम लोग फेल किए 31/12/12, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल किए, बी रिपोजेस्ड ऑल दी मशीन्स,
सारा मशीन लेके चला गया, सारा ऑल कंप्लीट रिपोजेशन। तो हायर परचेजर क्या बोलेगा? परचेजर बोलेगा मेरा तुमसे रिश्ता खत्म, बात खत्म। ऑन 1130 एंड वैल्यूड देम ऑन द बेसिस ऑफ 40% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन WDV बेसिस। वो लेके गया, लेके जाने के बाद नॉर्मली हमने क्या बोला था, जो डेटर के अकाउंट में बैलेंस रहेगा वही एसेट का कॉस्ट हो जाएगा। बट यहां पे बोला नहीं, हम एसेट का अपना अपने अपने हिसाब से वैल्यू करेंगे। उसने अपने हिसाब से 5 मशीन का वैल्यू निकाला और जब वो मशीन रिकॉर्ड करेगा अपने हिसाब से वैल्यू जो निकालेगा उस पर रिकॉर्ड करेगा। तो मान ले डेटर 5 लाख का बचा था, मशीन जो हम टेक ओवर किए उसका वैल्यू निकाले 4,60,000 आया। डेटर 5 लाख का था, उससे मशीन आया 4,60,000 का। तो बोलो कुछ, डेटर 5 लाख का था, मशीन आया 4,60 का, 40,000 का लॉस। ये लॉस वो रिकॉर्ड करेगा। आगे, बी आफ्टर इनकरिंग 6,000 ऑन रिपेयर सोल्ड दी मशीन फॉर 266 ऑन 30 जून। 6,000 खर्चा किया और फिर मशीन को कितने में बेच दिया, 2,66,000। मेरे को बोल रहा है प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ ए एंड बी। पहले हम लोग सिर्फ ए के बारे में सोचेंगे। ए कौन हो गया? परचेजर हो गया। पहले सिर्फ परचेजर के बारे में सोचते हैं। आइए, इन दी बुक्स ऑफ ए, थोड़ा ना लेजर जब तक खुद से नहीं एग्जीक्यूट करोगे नहीं बनेगा। मैं बोलते जाऊंगा, एंट्री आप खुद करोगे। और सुन, एकदम जो डायग्राम बनाया था ना पहले, उस डायग्राम को याद कर। पहले एसेट खरीदेंगे, फिर डाउन पेमेंट देंगे, फिर इंस्टॉलमेंट के दिन इंटरेस्ट जोड़ के पेमेंट करेंगे। वो थोड़ा याद रखेगा ना, तो तेरा हर इवेंट एक एक बार में अकाउंट फॉर होते चला जाएगा। तो मैं 2 अकाउंट बना रहा हूं, एक मशीनरी अकाउंट और एक बना रहा हूं बी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, बी अकाउंट। अब बिना हड़बड़ाए, मशीन खरीदा बी से, जर्नल एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू बी। मशीन खरीदा तो मशीन डेबिट किससे खरीदा? बी से। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बी, एंट्री कर जनवरी, 1 जनवरी 2011 का, 1 जनवरी 2011, मशीन अकाउंट डेबिट टू बी कितना? कैश प्राइस 10 लाख। ये 5 मशीन का, हाँ। तो बोल इसका डबल एंट्री कहां होगा? बी अकाउंट में बाई मशीन। अब बता, मशीन खरीदने के बाद डाउन पेमेंट करना होगा। डाउन पेमेंट खरीदेंगे बी, डाउन पेमेंट करेंगे बी को, जर्नल एंट्री, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट करेंगे उसको। तो 1/1/11 को बी टू बैंक कितना रुपया? 2 लाख। वेरी गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट जोड़ेंगे ईयर एंड पे। सुन, लोन का कितना अमाउंट बाकी है बता दीदी? वो लेजर में दिख जाएगा, लेजर में। 10 लाख का एसेट खरीदा, 2 लाख रुपया पेमेंट कर दिया, 8 लाख उस पे 10% जोड़, 80,000। तो अब सुन, इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है, जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी। तो बी में क्या लिखूं? बाई इंटरेस्ट। 8 लाख पे 10%, 80,000। ये लिखो 8 लाख पे 10%, घर जाके समझ में आएगा। हाँ, जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब बता, इसके बाद 280 का पेमेंट करेंगे, तो 31/12 को बी टू बैंक 280। सर इसमें 80 वापस नहीं जोड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट का वैल्यू था, तो वापस उसमें नहीं जोड़ेंगे। डन। बोल बी का काम खत्म फर्स्ट ईयर का। मशीन अकाउंट में क्या होगा? डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन। 20% का शायद डेप्रिसिएशन चार्ज करता है ए, 2 लाख। नहीं, ए अपने बुक्स में तो 20% करता है ना। चलो फर्स्ट ईयर कंप्लीट, बुक्स क्लोज करो,
ए में ए, मशीन में आ गया बाई बैलेंस सी डी 8 लाख, ये बताओ नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बी डी 8 लाख। बी अकाउंट में आओ, बैलेंस करो, टू बैलेंस सी डी 6 लाख, खुद से कैलकुलेटर पे, और एक एक 12 को बाई बैलेंस बी डी 6 लाख। लेजर कभी भी सिर्फ पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, लेजर को खुद से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका है इवेंट वाइज चलो। अब चल बता नेक्स्ट ईयर, ईयर एंड पे जाके हम फेल हो गए, बट ईयर एंड तक तो गए, ईयर एंड तक गए तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आएगा, चल इंटरेस्ट चार्ज कराओ। अब फर्स्ट ईयर वाले को ही देख ले, बाई इंटरेस्ट बोल कितने पे कितना, 6 लाख पे 10% 60,000, और इधर डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन 20% किस पर, ओरिजिनल कॉस्ट पर, SLM। बच्चा गलती में हड़बड़ी में 8 लाख पे 20% मार देता है, इस बार क्वेश्चन ओरिजिनल कॉस्ट बोला था, SLM 2 लाख। अब बोलो पेमेंट करने का टाइम आया, कर पाए या नहीं कर पाए? नहीं कर पाए तो वो सारा मशीन लेके चला गया। अब सारा मशीन लेके चला गया तो हमारा रिश्ता खत्म। चलो पहले हायर वेंडर अकाउंट को बंद करो और बैलेंस को मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करो, टू मशीन बैलेंसिंग फिगर कितना रुपया बाकी, 6,60,000। तो यहां पे मैं लिखता हूं बाई बी अकाउंट 6,60,000। अब इस अकाउंट को बैलेंस करो, जो डिफरेंस है पीएल में डालो। मैं ऐसे बोल रहा हूं, 6,60,000 का लाइबिलिटी खत्म और 6 लाख का एसेट खत्म। एसेट देखो 6 लाख का था, 6 लाख, 6,60,000 का लाइबिलिटी खत्म और वो 6 लाख का एसेट लेके चला गया, तो मेरे को क्या हुआ? इस बार प्रॉफिट हुआ 60,000 का प्रॉफिट। तो 2 PL बैलेंसिंग फिगर 60,000। उसका 6,60,000 रुपया बाकी था, हम क्योंकि नहीं दे पाए तो वो 6 लाख का मशीन लेके चला गया। अब 6,60,000 का लाइबिलिटी खत्म, 6 लाख का मशीन गया, तो 60,000 बुक्स में हमको प्रॉफिट हो गया। डन है बात? एक बार आराम से चेक कर लो, कोई डाउट है पूछो। मैं कैसे इवेंट वाइज गया वो समझ में आया? एसेट खरीदा, डाउन पेमेंट किया, फिर इंटरेस्ट रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट डेप्रिसिएशन, फिर नेक्स्ट ईयर वापस इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन, बट जब पेमेंट करने गया तो पेमेंट नहीं कर पाया, वो एसेट लेकर चला गया। तो एसेट लेकर चला गया तो बी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म, टू मशीन अकाउंट, जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा? पीएल। डन, इजी है, बस खाली थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का है। अब आ जाए इन दी बुक्स ऑफ बी। अब बी की बुक्स चालू करने से पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा वर्किंग नोट कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ मशीन रिपोजेस्ड। बी अपने हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट किया है, उसका वैल्यू निकालना है। देखो तो कैसे निकाला है, वो वैल्यू बोला है क्वेश्चन में,
40% डेप्रिसिएशन चार्ज करके ऑन WDV बेसिस। तो अगर मैं बोलूं मशीन का वैल्यू था 10 लाख, दो साल बाद वो मशीन टेक ओवर किया तो दो साल का 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करके मशीन का वैल्यू बोलो वो कितना लेगा? 10 लाख -40% फर्स्ट ईयर का, -40% सेकेंड ईयर का, 360,000। वो जब अपने बुक्स में मशीन रिकॉर्ड करेगा वो बोल रहे हैं हम 360 पे रिकॉर्ड करेंगे 40% डेप्रिसिएशन बाद देने के बाद। मैंने बोला बट तुमने ए से तो 6 लाख का लिया। बोला वो ए के बुक्स के हिसाब से 6 लाख का है, उसका रियल वैल्यू 6 लाख हो कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं बोलता। तो हम ये बोलते कि ए के अकाउंट में जो बैलेंस है हायर परचेजर के, वही मेरे मशीन का कॉस्ट। तो मेरे अकाउंट में, ए अकाउंट में अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो 6,60,000 का बैलेंस होगा। क्योंकि अगर ए के बुक्स में बी का बैलेंस 660 था तो बी के बुक्स में ए का बैलेंस 660 होगा। अगर कुछ और नहीं बोलता तो मैं बोलता मशीन का कॉस्ट 6,60,000। बट क्वेश्चन ने बोल दिया नहीं, हम लोग मशीन को वैल्यू करेंगे 40% डेप्रिसिएशन माइनस करके, और आज के दिन मशीन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3 लाख। एक्चुअल में सही तरीका यही है। सही तरीका इसलिए है क्योंकि मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बार्टर कर रहे हैं। बार्टर समझते हो? बार्टर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तुमने बोला भैया हम आपको मेरा मोबाइल फोन दे देंगे, हम बोला मैं तेरे को मेरा कंप्यूटर दे दूंगा। समझ गया? समझ में आया बात? तुम मोबाइल दोगे और हम क्या देंगे? कंप्यूटर। अब मोबाइल देंगे कंप्यूटर मिलेगा या कंप्यूटर देके मोबाइल मिलेगा? तो बुक वैल्यू इज नॉट द रियल मेजर ऑफ द रियल वैल्यू। अगर हो सकता है मान ले मेरे कंप्यूटर के मेरे बुक्स में वैल्यू है 20,000, बट जो मोबाइल फोन लिया ना उसका रियल वैल्यू 15,000 है, तो हमको फिर मोबाइल फोन को कितने में लिखना चाहिए? 15,000 में। ये नहीं बोलना चाहिए 20,000 का कंप्यूटर देके मोबाइल फोन मिला। बुक वैल्यू रियल मेजर नहीं होता है। रियल मेजर होता है आज के दिन उस एसेट का वैल्यू कितना है। बट अगर कुछ नहीं बोलता तो फिर हम क्या बोलेंगे? सर हम मोबाइल का वैल्यू निकाले पता ही नहीं चला कितना है। तो मान लीजिए जो कंप्यूटर दिए उसका 20,000 वैल्यू था, तो मोबाइल का वैल्यू भी कितना है? 20,000। रियलिटी इज फेयर वैल्यू इज द करेक्ट मेजर, कि भाई आज के दिन उस एसेट का वैल्यू क्या है। बट अगर वो नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं फिर जो बुक वैल्यू उसी के हिसाब से देख ले, ज्यादा सोचने का दरकार नहीं है। समझ में आया बात? तो यहां पे वो बोल रहा है कि मेरे हिसाब से एसेट का वैल्यू आज के दिन कितना होना चाहिए? 360। तो जब मैं अपने बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड करूंगा कितने में रिकॉर्ड करूंगा? 360। अभी आइए हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं। बी के बुक्स में एक तो बनेगा ए अकाउंट जो छापना है, कहां से? बोलो, ऊपर से, बोर्ड से नहीं। एक दिन हम सीए का क्लास में बोले कि चलो छाप लो, बोला हां सर लिखिए हम लोग रेडी है। ए अकाउंट गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। अब वो मशीन बेच रहा है, वो बेच रहा है बी, तो बी बेच रहा है तो एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू मशीन, वो लिखा था मशीन टू बी, तो ये लिखेगा ए टू मशीन। तो ए अकाउंट में 1/1/2011 टू मशीन 10 लाख। फिर इसको डाउन पेमेंट मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, तो बाई बैंक। थोड़ा सोच के लिखो, देखो अपने आप इजी लगेगा। अब इंस्टॉलमेंट का दिन आ गया तो पहले ये इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेगा जर्नल एंट्री, ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। इनकम है तो इनकम क्रेडिट होगा, ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 80,000 था ना। फिर इसको हमसे वापस पैसा मिला बाई बैंक 280। ये करते करते पहला साल खत्म, बाई बैलेंस सीडी शायद 6 लाख बचा था। तुम देखोगे ना एकदम ऊपर वाला ही अकाउंट उल्टा उल्टा हो रहा है, एकदम ऊपर वाला अकाउंट सेम टू सेम, टू बैलेंस बीडी 6 लाख। वापस इंटरेस्ट जोड़ेगा वो 6 लाख पे 10% 60,000 टू इंटरेस्ट। एक साल का सही बनाओ फिर उसको कॉपी पेस्ट करते चलो 60,000। बस
अब वो मेरे से पैसा लेने आ रहा था, मैंने देने से मना कर दिया। मना कर दिया तो वो क्या किया, मशीन ले गया, और मशीन का वैल्यू कितना लिखा वो 360,000। अब 660 का मेरे से पैसा पाना था, बट वो मेरे से मशीन जो लेके गया उसका वैल्यू 360, तो कुछ बोलो 300,000 का लॉस। उसको मेरे से पाना था 660, वो मेरे से मशीन लेके गया जिसका वैल्यू 360, तो 300,000 का लॉस हो गया। देखो कैसे लिखूंगा, बाय गुड्स रिपोजेस्ड या एसेट रिपोजेस्ड 360, और बाय पीएल कितने का लॉस हो गया 300,000। सर अगर ये 360 नहीं बताता तो मैं गुड्स रिपोजेस्ड की वैल्यू 660 ले लेता, अपने आप जब बेचता तो लॉस आ जाता, पूरा अमाउंट ले लेते, क्योंकि बताता नहीं तो हम कुछ और कर नहीं सकते थे। गुड्स रिपोजेस 360 और डिफरेंस चला गया पीएल में। अब बता, गुड्स आ गया टू ए अकाउंट 360, बोल इसमें क्या किए, रिपेयर का खर्चा टू बैंक कितना 6,000, फिर इसको बेचा बाई बैंक 266। चल बता, 100,000 का वापस क्या हो गया लॉस, और लॉस हो गया। जब बेचने गए तो 266,000 रुपया ही उठा। इसीलिए वेंडर ना रिपोजेस नहीं करना चाहता है जल्दी से, नुकसान हो जाता है उसको भी, क्योंकि जब बेचने निकलेगा कौन मिलेगा, कौन खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, ये सब कुछ पता, इसीलिए वेंडर भी जल्दी से रिपोजेशन नहीं करता है रियल लाइफ में। रिपोजेशन दोनों के लिए ही नुकसान है। इतना सुने हो कि बैंक लोन देता है तो सिक्योरिटी लेता है, बट जब लोन रीपे करना फेल करते हो तो क्या वो उसी दिन तुम्हारा एसेट उठा के ले जाता है? मान लो तुमने घर गिरवी रख के लोन लिया, अब लोन का इंस्टॉलमेंट आया, तुम फेल कर गए, तो ऐसा नहीं है बैंक कल ही घर पे कब्जा कर लेगा, नहीं करता है, बोलता है भैया थोड़ा पैसा दे दो, क्या हो गया, बोले 10 दिन में दे देंगे, बोला ठीक है 10 दिन में दे देना। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बैंक को बिल्डिंग से प्यार, बैंक को पैसा से प्यार है अपना, बोलता है बिल्डिंग ले भी लेंगे, किसको खोजते रहेंगे बेचने के लिए, कब बिकेगा, बिकेगा भी या नहीं, कितने दाम में बिकेगा, कुछ नहीं पता। बैंक वाले बहुत ऑक्शन करते हैं, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वहां पे आपको एक कॉलम दिखाई देगा बैंक ऑक्शन का, बहुत प्रॉपर्टी ऑक्शन करते हैं, उसको उससे बैंक को फायदा नहीं है तो नुकसान होता है। जो प्रॉपर्टी नॉर्मली 3 करोड़ में बिक सकता है, जब बैंक ऑक्शन करता है ना, लोग जाके बोलते हैं 1 करोड़ में देना है तो दीजिए, क्योंकि वो जानता है बैंक को जरूरत है कैश का, फायदा उठाता है। ऐसे लोग बहुत प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है प्रॉपर्टी खरीदने का, बहुत अच्छा तरीका है, सब आता है, एवरीथिंग, बहुत लैंड वैंड बहुत का ऑक्शन होता है, आप जाइए खरीदिए, बहुत बड़ा फायदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत फायदा है। और बैंक से उसका नुकसान, बैंक को नुकसान होता है, क्योंकि बैंक को जो एक्चुअल वैल्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। बोलना बहुत आसान है, सर आपके पास तो लैंड है 5 करोड़ का, बेच दीजिए, बिकता नहीं है, क्योंकि लोगों को इकोनॉमिक रियलिटी पता है, बैंक ऑक्शन कर रहा है मतलब इसको पैसा चाहिए, चलो दबाते, 5 करोड़ बोलेगा 3 करोड़ देंगे, दोगे क्या? और बैंक का भी रूल है, आपको बेचना पड़ेगा टाइम में, आप रख नहीं सकते उसको, कोई भी प्रॉपर्टी बैंक 10 साल से ज्यादा होल्ड करके नहीं रख सकता, एक्सेप्ट उसका जो ऑफिस प्रॉपर्टी वगैरह होता है वो बैंक नहीं रख सकता, बैंकिंग रेगुलेशन में रूल है। क्यों ये रूल बनाया गया? ताकि बैंक के पास लिक्विडिटी रहे, बैंक उल्टा पुल्टा जगह पैसा डाल के ना रखे। बैंक को तो लिक्विडिटी होना चाहिए, बैंक को किस चीज के लिए इंटरेस्ट किए, इसके लिए। आप लोग बैंक ऑडिट पढ़ेंगे, ऑडिट पे तब ये सीखेंगे कि बैंक नहीं रख सकता है पैसा, ये एसेट वगैरह नहीं रख सकता है, बैंक को बेचना ही पड़ेगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, और वो जिसके लिए बैंक बना वही नहीं होगा काम, तो बैंक को रख के क्या फायदा इकोनॉमी में? इकोनॉमी में तो बैंक को इसलिए बनाया था ना कि पैसा घूमे, चैनलाइज हो, और तुम ले बैंक पैसा उठाया, प्रॉपर्टी में लगा के छोड़ दिया, बोला फिर बैंक का क्या फायदा, वो तो कोई भी घर लेता, वो नहीं कर सकता है, बैंक के लिए प्रोहिबिटेड है। इसीलिए SLR, CRR, सुने हो SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, CRR, कैश रिजर्व, बहुत जरूरी है रियल लाइफ। बोलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया? एनी डाउट?
कभी भी कॉपी पीछे घुमा के नहीं देखेंगे, गलती होगा तो गलती करेंगे, काट के वापस बनाएंगे, उससे ज्यादा सीखेंगे। कभी भी पीछे कॉपी घुमा के नहीं देखेंगे। तुमको जो समझ में है वो यूज करो। अब हम दो चार बताए, तुम घर जाके क्या एक ठो अपने दिमाग में कंक्रीट किए, एक कर लेते तो फिर पीछे घुमा के? तुमको एक ठो कंक्रीट करना है, एग्जाम में तो एक ही करने से हो जाएगा ना, तो एक कंक्रीट तो करो दिमाग में। यही हम बोलना चाहते हैं कि तुमको एक करना है, पहले वो कर ले, वो आंसर निकल गया ओके, हम इतना किए, इतना टाइम लगा सर, इतना किए कम में आ गया, चल इसमें दूसरा तरीका सीख लेते। ट्राई करते समय पीछे मत देखो, ये बहुत बैड हैबिट है। और इस मैं इसके लिए नहीं दुखी हूं तुम लोग चीटिंग कर रहा है, मैं इसके लिए दुखी हूं तुम लोग के दिमाग में वो बैठ क्यों नहीं रहा है। वो बैठना चाहिए दिमाग में, एक सर्टेन लेवल के बाद दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पहले बोलिए यहां तक ठीक है क्या? कंप्लीट रिपोजिशन के दो सम थे, मैंने दोनों सम आपको करा दिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले में, बोलो किस में? पार्शियल रिपोजिशन समझाता हूं आज, सम्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सुनना। पार्शियल रिपोजिशन क्या होता है? हायर वेंडर बोला कि इंस्टॉलमेंट का डेट आया, पैसे दीजिए। मैं बोला अभी देने के लिए पैसे नहीं है। हायर वेंडर मेरा अपडेटेड कुंडली निकलवाया कि क्या हाल है देखते हैं। जब वो देखा तो बोला ये पैसा दे तो पाएगा बट पूरा पैसा नहीं चुका पाएगा। अगर इसका 50 लाख बाकी है, ये 20-25 लाख ही दे पाएगा या 50 लाख नहीं दे पाएगा। तो वो बोला चलो एक काम करते हैं, तीन मशीन बेचे थे, तीन में दो हम ले जा रहे हैं, एक हम छोड़ के जा रहे हैं, बैठ के अपने हिसाब कर लेते हैं, जो बैलेंस पैसा बचे वो आप दे दीजिएगा, दे देंगे तो तीसरा मशीन आपका, नहीं देंगे तो हम कल वो भी उठाकर। जब हायर वेंडर बोलता है कि हम सारा एसेट नहीं, कुछ लेके जाएंगे, कुछ आपके पास छोड़ के जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रिपोजिशन। जनरली पार्शियल रिपोजिशन तभी होगा जब हायर वेंडर को ऐसा कॉन्फिडेंस रहे कि तुम इतना रुपया उसको दे पाओगे। अगर उसको लगेगा ना तुम एक भी रुपया नहीं दे पाओगे तो वो फिर क्या करेगा? कंप्लीट रिपोजिशन सब लेके चला जाएगा, कोई एसेट तुम्हारे पास छोड़ने वाला नहीं है। तो अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे ना, ज्ञान बिल्कुल सेम रहेगा, बस एक ही चीज चेंज रहेगा। अगर तीन मशीन बेचा है तो तीनों नहीं लेके जाएगा, तीन में दो लेके जाएगा और एक आपके पास छोड़ देगा। मेरे को एक बात बता, अगर वो तीन में दो लेके जा रहा है और एक छोड़ के जा रहा है, पहला बात क्वेश्चन नंबर वन, तुम समझे हो कि नहीं पूछ रहा हूं, क्या आगे हमको उसको पैसा देना होगा? हां देना होगा। जो भी हिसाब करने के बाद बचेगा वो चुकाना पड़ेगा, मतलब अभी मेरा और उसका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। हाँ, दो एसेट वो लेके चला गया, दो एसेट मैं अपनी बुक से हटा दूंगा, उन दो एसेट का जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू मैं लाइबिलिटी कम कर दूंगा, बट बैलेंस जो लाइबिलिटी है वो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। ये पहले बात समझ में आया। दूसरा बात, अकाउंटिंग एंट्रीज ना, चाहे फुल रिपोजिशन हो पार्शियल रिपोजिशन हो, यही होगा। वेंडर परचेजर देखो क्या एंट्री करेगा, बोला मेरे बुक से एसेट चला गया, दो मशीन चला गया, मशीन जाएगा तो वो मशीन अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, एसेट कम हो जाएगा। बोला मैं अब क्योंकि वो दो मशीन ले गया तो मेरे को लाइबिलिटी भी कम करनी है, क्योंकि मैं अब पूरा पैसा तो देने वाला, लाइबिलिटी कम करना है, तो वो हायर वेंडर अकाउंट को डेबिट करेगा, जो डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा? पीएल में होगा, अभी भी यही। बट प्रॉब्लम ये है, कंप्लीट रिपोजिशन में पूरा बंद कर दिए थे, बोलेंगे अब कुछ देने वाले, पार्शियल रिपोजिशन में पूरा बंद नहीं होगा। जो दो मशीन आप लेके जा रहे हो उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, उस वैल्यू के हिसाब से उतना लाइबिलिटी कम कर दीजिए, बैलेंस हम आपको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट किए तो तीसरा वाला मशीन मेरा हो जाएगा, नहीं किए तो वो वाला मशीन भी आप ले जाइएगा। अभी जो कंप्लीट रिपोजिशन में सिखाया ना, पार्शियल रिपोजिशन का अकाउंटिंग इज डिट्टो सेम, मतलब मैं जर्नल एंट्री में यही लिखूंगा सेम एज अबव। जर्नल एंट्री में देर विल बी नो चेंज, देर विल बी ओनली चेंज इन वत थिंग कि अब पूरा रिश्ता खत्म नहीं होगा, अब आपके एसेट अकाउंट में भी बैलेंस रहेगा, हायर वेंडर में भी बैलेंस रहेगा, अगर हायर वेंडर को पेमेंट करे तो वो एसेट हमारे पास रखेगा, अगर नहीं किए तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो एसेट भी लेकर चला जाए। तो अब हमारा रिश्ता पूरा खत्म नहीं हो रहा है, आप दो एसेट लेकर जा रहे हो, ये दो एसेट का वैल्यू निकालकर इतना अमाउंट एडजस्ट कर दो, बैलेंस पैसा हम आपको पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो तीसरा एसेट मेरा, नहीं तो वो भी एसेट आप ले जाएंगे। वेंडर भी यही करेगा, बोलेगा हायर परचेजर का पूरा पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, जितना एसेट मैंने ले लिया उतना वैल्यू माइनस कर दे, बैलेंस पैसा अभी भी मेरे को हायर परचेजर से लेना है।
तो कोई भी चीज पूरा बंद नहीं होगा। जितना हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो एसेट वो लेके जा रहा है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे अभी मैंने वैल्यू निकाला ना, ये वाला देखो, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट किया ना, ऐसे ही अब वो जितना जितना मशीन लेके जाएगा पहले मैं उसका वैल्यू निकाल लूंगा, उस वैल्यू के हिसाब से मैं अपनी अकाउंटिंग करूंगा। मान लो वो बोलता है पांच में से चार मशीन हम लेके जाएंगे, मैं बोला चलो चार मशीन की वैल्यू निकाल लो, इतना वैल्यू से लाइबिलिटी एडजस्ट कर दो, बैलेंस पेमेंट हम आपको कर देंगे। तो पार्शियल रिपोजिशन में द अकाउंटिंग एंट्रीज विल रिमेन सेम, ओनली वन डिफरेंस कि रिलेशन पूरा खत्म नहीं होगा। जितना एसेट लेके गया उसका वैल्यू निकाल के हम लोग अकाउंटिंग कर लेंगे, बैलेंस एसेट और लाइबिलिटी मेरे को अभी भी पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है बात, लिखो पहले इतना बात, पार्शियल रिपोजेशन। पॉइंट नंबर क्या चल रहा था, कंप्लीट हो गया सी, तो पॉइंट नंबर डी, अकाउंटिंग फॉर पार्शियल रिपोजेशन। अकाउंटिंग फॉर पार्शियल रिपोजेशन, लिखेंगे इन दिस केस हायर वेंडर टेक्स बैक फ्यू एसेट्स सोल्ड टू हायर परचेजर लीविंग बिहाइंड सम एसेट्स विथ हिम। With him मतलब with higher purchaser, takes back few assets sold to higher purchaser, leaving behind some assets with him. Full stop. The accounting entries for repossession will remain same. As complete repossession will remain same as complete repossession. The only difference is that the higher purchase agreement still exists for the asset left with higher purchase agreement अभी भी exist करता है, वो पूरा खत्म नहीं हुआ है, बट सिर्फ किसके लिए, वही एसेट जो हायर परचेजर के पास आपने छोड़ा है। मान लो पांच मशीन था, आप तीन मशीन ले आए, तो तीन मशीन का तो हिसाब खत्म, अब सिर्फ कितने का बात होगा, दो का। तो अभी भी अग्रीमेंट चल रहा है, अग्रीमेंट पूरा खत्म। कंप्लीट रिपोजेशन में मैंने तुमको बोला सब बंद कर दो, नो रिश्ता एग्जिस्ट, अब मेरा उससे कोई रिश्ता, बट मैं पार्शियल में ये नहीं बोल पाऊंगा। पार्शियल में बोलूंगा तीन मशीन तो खत्म हो गया, बट दो मशीन अभी भी बाकी है जिसका मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। डन, लिखो फॉर दिस वी विल फर्स्ट कैलकुलेट the value of assets repossessed, as per the terms of higher purchase agreement। हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे value of asset repossessed, जो वो asset लेके गया उसका value calculate करेंगे। तो अगर कोई मेरे को बोलेगा सर वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस्ड कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन एज पर हायर परचेज अग्रीमेंट, माइनस डेप्रिसिएशन एज पर हायर परचेज अग्रीमेंट। क्वेश्चन देगा आपको, जैसे अभी आपको 40% दिया था ना, वैसे ही आपको देगा कि एज पर द अग्रीमेंट ये
पार्शियल में देगा, कंप्लीट में नहीं देगा। कंप्लीट में फर्क नहीं पड़ता है दे या ना दे, क्योंकि कंप्लीट में नहीं भी देंगे तो हिसाब तो खत्म करना ही है। पार्शियल में हमेशा देगा, क्योंकि नहीं देगा तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे, जो एसेट गया उसका वैल्यू क्या। तो पार्शियल में एवरी क्वेश्चन में हायर परचेज अग्रीमेंट के हिसाब से वैल्यू क्या होना चाहिए उसके बारे में बताएगा। इस सब में दिया था, इस सब में नहीं भी देता तो चलता क्योंकि वो कंप्लीट रिपोजिशन का था। दिया था तो हमने यूज किया, नहीं देता तो हम यूज हम सीधा नॉर्मली कर देते। 660,000 का वैल्यू लिख के 660,000 बेचता तो लॉस ज्यादा आ जाता। डन, फुल स्टॉप। अब सारा इंट्रीज किसके हिसाब से होगा, इसी के हिसाब से होगा। मतलब जब मैं हायर परचेजर के बुक्स में हायर वेंडर अकाउंट डेबिट करूंगा, लाइबिलिटी कम करूंगा। कितनी लाइबिलिटी कम करूंगा? सर जो एसेट ले गया उसका वैल्यू। डन है क्या बात? पक्का। एक क्वेश्चन हम लोग देखिएगा, एक तो आइए ना क्वेश्चन 15 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, पहला 3 लाइन, तो एक काम बच जाएगा। कैश प्राइस ऑलरेडी निकाला हुआ है, मैं यहां पे लिखता हूं सेम एज। अभी कौन सा क्वेश्चन किया था रे? क्वेश्चन 12, ओनली पार्शियल रिपोजेशन। नया चीज है पार्शियल रिपोजेशन। पहला 3 लाइन पढ़ो, आपको देखो समझ में आएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था। ए परचेज 5 मशीन्स फ्रॉम बी, पेमेंट वाज टू बी मेड 20% डाउन, बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट 280, 260, 240, 220, कमेंसिंग फ्रॉम 31/12/11, वेंडर चार्ज 10% इंटरेस्ट, ए राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। क्या सेम है? पूरा सेम है। तो सुनना, अगर मैं तेरे को बोलूं क्वेश्चन 15 कैश प्राइस लिखूं सेम एज क्वेश्चन 12 अबव, बोल कितना? 10 लाख। ये निकाल लिया, निकाला हुआ था तो काम आ गया। अब देख आगे क्या बोल रहा है, ये वर्किंग नोट था मेरा। आगे क्या बोल रहा है? ऑन एज फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31/12/12, बोलो कौन सा इंस्टॉलमेंट? सेकेंड इंस्टॉलमेंट। After negotiation on 1/13, B agreed to leave two machines with A, adjusting the value of other 3 machines against the amount due. 5 मशीन था, 2 छोड़ देगा, 3 ले जाएगा, तो बोलो कौन सा repossession? Partial repossession. 3 asset लेके जा रहा, partial repossession. और बोला 3 का जो value होगा ना वो हम amount से adjust कर देंगे। आगे क्या बोला? मशीन बींग वैल्यूड एट कॉस्ट लेस 40% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन WDV बेसिस। बोला जो मशीन जा रहा है उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस 40% का डेप्रिसिएशन। बी आफ्टर स्पेंडिंग 6,000 ऑन रिपेयर्स ऑन ईच सच मशीन सोल्ड 70,000 ऑन 30 जून। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस इस बार क्या है? पार्शियल। डन, आ जा। हम लोग ना पहले ए का बुक्स में ध्यान देंगे, बुक्स ऑफ ए, ए के बुक्स में मशीन अकाउंट, बी अकाउंट। खुद से सोच के पहले साल का एंट्री कर दो, एकदम सिक्वेंशियली सोचना, खुद से बात कर करके। मशीन में क्या लिखा है? दस लाख का मशीन खरीदा, इसका जर्नल एंट्री बी से खरीदा, मशीन टू बी करो, बी में डबल एंट्री कर, फिर 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट, तो बी को पेमेंट किया, बी टू बैंक, फिर पहला साल का इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है,
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी, इंटरेस्ट 80,000, 8,00,000 का 10%, फिर अपने पेमेंट करेंगे वापस बी टू बैंक 280, ए के बुक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्या है बोलो तो 20%, 2,00,000 ए के बुक्स में ए के हिसाब से डेप्रिसिएशन। बस यहीं तक पहुंच जाओ, यहां तक पहुंचने के बाद एक बार रुको, सेकेंड ईयर के एंड तक पहुंचने के बाद एक बार वेट, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन मार लो। कंप्लीट रिपोजेशन में क्या हो रहा था, वो सब लेके चला गया तो हमने सबको बंद कर दिया, बोला सब खत्म, हिसाब खत्म, रिश्ता खत्म, बात खत्म। पार्शियल में सब बंद नहीं होगा क्योंकि वो 3 लेके गया और 2 एसेट तुम्हारे पास छोड़ के गया है, तो हमको हिसाब करना होगा। हमको सबसे पहले निकालना होगा नीचे वर्किंग वैल्यू ऑफ 3 मशीन्स रिपोजेस्ड, 3 मशीन जो रिपोजेस किया उसका वैल्यू किसके हिसाब से, एज पर हायर परचेज अग्रीमेंट। 3 मशीन का वैल्यू एज पर हायर परचेज अग्रीमेंट। पहले बता 3 मशीन का कॉस्ट कितना, दस लाख था 5 का, 3 का 6,00,000, ऐसे बोलना 10,00,000 5 मशीन का था तो 1 मशीन का 2,00,000, तो 3 मशीन का 6,00,000, हाँ या ना, तो 2,00,000 इंटू 3 6,00,000 कॉस्ट, माइनस 40% फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, 40% सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। और अगर कोई डेप्रिसिएशन अच्छे से सीख रखा है तो इंटू 0.6 इंटू 0.6 WDV मेथड, 60% 60%, 6,00,000 इंटू 0.6 इंटू 0.6 2,16,000। वो जो 3 मशीन लेके गया है ना उसके अगेंस्ट वो 2,16,000 एडजस्ट करेगा, 2,16,000 एडजस्ट करेगा, डन। अब सुन एक चीज बता, डेप्रिसिएशन चैप्टर सीख चुके हो, अगर कोई मशीन बेचते हो या कोई मशीन देते हो तो उस समय आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हो, मशीन का बेचने से कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, बेचने का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हो, सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बुक वैल्यू ऑफ 3 मशीन्स, इन 3 मशीन का बुक वैल्यू, ऊपर आ जाओ ऊपर, इधर देख के बोलना कुछ, कैसे 2,00,000, तो 6,00,000 तो 5 का है, 6,00,000 तो 5 मशीन का, आज के दिन मेरे को बताओ बुक वैल्यू कितना है, इधर देख के बोलो, आज के दिन 6 मशीन 5 मशीन का बुक वैल्यू कितना है,
6 लाख, हाँ या ना? अगर 6 लाख 5 मशीन का बुक वैल्यू है तो 3 मशीन का बुक वैल्यू कितना? तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 5, 6 लाख कैसे आया? 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 मशीन का वैल्यू है, तो 3 मशीन का कितना होगा? 360। अब कुछ बोल रहा हूं सुनना, 360,000 का वो मेरे यहां से मशीन ले गया, बट वो लाइबिलिटी कम करेगा 216। 360 का मशीन लेके चला गया, लाइबिलिटी कम करेगा 216, तो मेरे लिए लॉस, तो बोल लॉस ऑन रिपोजेशन। मेरे लिए लॉस कितना? 360 का मशीन गया बट लाइबिलिटी कम होगा 216, तो 1,44,000 का क्या निकल जाएगा? लॉस। कंप्लीट में सोच नहीं रहे थे, क्यों पता है? क्योंकि वो तो सब ले गया, तो अब तो बंद करना है, तो वहां सोच नहीं रहे थे, जो डिफरेंस है वो लॉस या प्रॉफिट। बट यहां पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो यहां पे सब मशीन लेके नहीं गया, यहां पे सिर्फ वो कितनी मशीन लेके गया है? 3। तो मेरे को 3 का हिसाब करना होगा, पहला 3 मशीन वो कितने में लेकर जाएगा, दूसरा 3 मशीन का बुक वैल्यू कितना है, डिफरेंस इज माई प्रॉफिट और लॉस। वो बोल रहे हैं हम 2,16,000 ही एडजस्ट करेंगे। मैं बोला यार मेरे हिसाब से मशीन का वैल्यू तो 3,60,000 है, अब 3,60 है बट वो एडजस्ट सिर्फ 2,16 करेगा, तो मेरे को नुकसान होगा 1,44 का, हाँ या ना? ये 144 का मेरे को नुकसान हो गया। क्लियर है बात? तो देख कैसे लिखूंगा, देख ध्यान से, ध्यान से। पहले लाइबिलिटी कम करूंगा, कितने से बोल? 2 मशीन अकाउंट 2,16,000। पहले मैं लाइबिलिटी कम करूंगा 2,16 से, लाइबिलिटी तो 2,16 ही एडजस्ट करेगा क्योंकि उसका मशीन का वैल्यू वही निकला है। इसका डबल एंट्री, बाई बी अकाउंट 2,16, वहां पे भी देखो यही लिखे थे 2 मशीन बाई बी, बस वैल्यू पूरा था क्योंकि वहां पे बंद करना था, कंप्लीट रिपोजेशन। यहां पे बंद नहीं होगा क्योंकि यहां पे वो 3 लेके गया है, 2 अभी भी मेरे पास है। अब मेरे को बता लॉस कितना हुआ? बाई पीएल 144, लॉस हो गया 144। 360 का मशीन 216 में लेके चला गया, 360 का मशीन 216 में लेके चला गया, तो 144 का लॉस। बंद कर दो अकाउंट, हो गया बाई बैलेंस सीडी, निकालो 240, और इधर 2 बैलेंस सीडी, अभी मेरे को 4,44,000 रुपया उसको देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देंगे तो बचा हुआ 2 भी लेके चला जाएगा, बिजनेस हमारा ठप हो जाएगा। पक्का? तो क्या फर्क था कंप्लीट और पार्शियल में? कंप्लीट में सब हिसाब खत्म, पार्शियल में हिसाब करके हिसाब खत्म होगा, पूरा खत्म नहीं होगा, देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो बैलेंस 2 मशीन भी ले जाएगा और बिजनेस ठप हो जाएगा आपका। रिपोजेशन या तो तुमको पूछेगा कैलकुलेशन से, या तुमको पूछेगा रिपोजेशन, ज्यादा पार्शियल, कंप्लीट इजी होता है, पार्शियल में थोड़ा वैल्यू करना पड़ता है। एक सेकेंड सुनना, ये 2,40 आया, कुछ लिख रहा हूं सोचने का कोशिश करो। वो 2 मशीन का बुक वैल्यू होना चाहिए, 6 लाख था 5 मशीन का बुक वैल्यू, तो 2 मशीन का बुक वैल्यू निकालो, देखो 2,40 आ रहा है क्या? एक ही बात है, ऐसे कर पहले, 6 लाख बाई 5 × 2, देख 2,40 आ रहा है, मतलब मेरा आंसर रिकनसाइल है, मैंने ठीक किया। 3 मशीन गया तो 360 चला गया, बट 2,40 बचना चाहिए, 2,40 बच रहा है मेरा, तो मेरा ठीक है हिसाब। क्लियर है बात? बचा हुआ 2 मशीन का बुक वैल्यू लिख लो भला हिंदी में, ये 2 मशीन का बचा हुआ बुक वैल्यू है,
ये दो मशीन का बुक वैल्यू है जो अभी भी मेरे पास बचा है, दो मशीन का बुक वैल्यू है। लॉजिक तो यही बोलता है ना, तीन लेके गया तो दो मेरे पास है, दो मेरे पास है तो अकाउंट में दिखना चाहिए दो मशीन, वो दो मशीन दिखेगा। बुक्स ऑफ बी आप बनाएंगे आपका होमवर्क। बुक्स ऑफ बी में कुछ नहीं करना, सिर्फ ए अकाउंट और एसेट रिपोजिस्ट अकाउंट बनाना है और यही वैल्यू पे काम करना है 216,000 पे। वो आपका होमवर्क रहेगा, आपको ट्राई करना है बुक्स ऑफ बी। बुक्स ऑफ बी एकदम सेम रहेगा, एकदम सेम। दो लाख सोलह हजार आ गया, आप 216,000 पे आप काम कर लीजिए। डन। तो होमवर्क है बुक्स ऑफ बी, ए अकाउंट और एसेट रिपोजेस्ड अकाउंट। डन। कल संडे, कल नहीं है परसों है ना संडे, तो थर्टी एथ का होमवर्क लिख रहा हूं। ये विराट डिपार्टमेंट स्टोर का दे दिया क्या क्वेश्चन? नहीं दिया क्या? दिसंबर 19 सेट टू दिसंबर एमटीपी दिसंबर 19 सेट टू क्वेश्चन 5A एंड 6A। दिसंबर 19 का एमटीपी सेट टू ये डिपार्टमेंट का क्वेश्चन अच्छा है। मेरे पास ना इन सारे क्वेश्चन का वीडियोस बना हुआ है, अभी नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, अभी देने से क्या हो जाएगा, फिर वो वीडियो ही देखते रह जाएंगे। मेरे पास ये पूरा का पूरा वॉल्यूम टू का हर चैप्टर का बुक क्वेश्चन वीडियो रेडी है, प्रैक्टिस सेशन, बट मैं अभी दे नहीं रहा हूं। पहले कर लो, फिर मैं क्या करूंगा, तुम लोग के कोर्स में प्रैक्टिस सेशन सारे एक साथ डाल दूंगा। कभी देखना हो तो देख लेना, बट मेरे को नहीं लगता जरूरत पड़ेगा अगर आप साथ साथ करोगे तो। डन। जाओ। दिसंबर 23 का 7A बाकी था क्या? होमवर्क दिया था क्या 23 की 22 ये वाला क्या? ठीक है, मैं इसका आंसर दे दूं क्या आपको? 5 है क्या इंस्टॉलमेंट? जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाइए ना। 1.05, एक सेकेंड, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। 10% साल का है तो 6 महीने का 5%, 1.05 डिवाइड 1, 2, 3, 4, 5 एमआरसी इंटू 6,000। इसका कैश प्राइस आना चाहिए 25977। लास्ट डे होमवर्क दिया था 25977, क्योंकि 6 मंथ्स है ना, हाफ ईयरली, तो 10% पर एनम है, तो हाफ ईयर का कितना 5% फॉर 6 मंथ्स, और 5 इंस्टॉलमेंट है। तो पहले आप एनुइटी फैक्टर निकाल लो, 1.05 का डिवाइड करके जीटी दबा के एनुइटी फैक्टर निकाल लो, इनटू 6,000 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना था और कुछ नहीं करना था। आंसर आएगा 25977। इसका सोल्यूशन मैं एक दो दिन में करवाऊंगा इन लोगों को, जिनको रिविजन करवा रहा हूं। तो ये दिसंबर 20, हाँ हाँ हाँ, डन, बाय बाय।